इन मै टी शर्ट मस्त गिफ्ट बड्डे गिफ्ट तुला तेक मे हेलो हाँ यहाँ पे वो मैसेज दिखा इतनी दूर में थोड़ी सी मैसेज दिखाएंगे मुझे हाँ सभी को नमस्ते राधे राधे सभी को राम राम जी हम अभी पांच मिनट में शुरू करेंगे

हाँ जी सभी को राधे राधे हम पांच मिनट हम मैं और लगें, लगेंगे तब तक मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पहले न्यूमरोलॉजी वास्तु और एस्ट्रोलॉजी का कोर्स किया है कृपया कमेंट बुक्स में डालें आप म्यूट हैं आपको एक बार कमेंट बुक्स में डालें कि हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजी वास्तु और न्यूमोलॉजी होगा जो मेरे से अभी पहले से पढ़ रहे हैं वो नहीं डालें नो कोर्स नथिंग ठीक है जिस जिन जिन्होंने कर रखा है वो ही लिखे कि हमने कर रखा है तमन्ना यादव जी आपने न्यूमोलॉजी कहां से की हुई है किससे की हुई है ठीक है अभी सिर्फ वही लोग लिखे जिन्होंने न्यूमरोलॉजी वास्तु और एस्ट्रोलॉजी किया हुआ है जिन्होंने नहीं किया हुआ वो नहीं लिखे आज हम आपको एस्ट्रोलॉजी में न्यूम्रोलॉजी में और वास्तु में कुछ ऐसा बताएंगे जो अभी तक आपने नहीं सुना होगा आप मेरा इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो मेरा वेबिनार पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं फर्स्ट एक बार सभी को अनम्यूट कर दीजिए first time first time first time first time first time first time फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम फेल एंड द फेल एंड टाइम सर ओके फर्स्ट टाइम कर रहे समझ में नहीं फर्स्ट टाइम सर सभी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं फर्स्ट टाइम ठीक है इसमें भी हम थोड़ा टाइम में कुछ कुछ काम करो करो टाइम में कर ले चलिए तो अभी ये एक सामने चलो ठीक है अभी एक काम कीजिए आप बोला कि फर्स्ट टाइम है आज मैं आपको कुछ ऐसा न्यूमोलॉजी में भाँगा। और भाँगा। वाद भाँगा। वाद भाँगा। एक बार आप जो पीछे से आवाजें आ रही हैं आप आप अपने आपको म्यूट कर लीजिए पीछे से कुछ लोग आवाज कर रहे हैं तो उनको बोल रहा हूँ पीछे से आप अपने आपको अनम्यूट कर लीजिए ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो चलिए अब काफी लोग इसमें से ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आज आप मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि फर्स्ट टाइम तो आप मेरा जो सेशन ये वेबिनार ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन आप मेरे से न्यूमोलॉजी एडवांस किस किस ने की हुई है वो अपना नाम लिखे कि मैंने न्यूमोलॉजी का एडवांस कोर्स कर रखा है और मैंने वास्तु का एडवांस कोर्स कर रखा एक बार पे मैसेज में लिखिए कि जिस इसने मैं एक को लाइव में लेता हूं और आपको एक भी न्यूमोलॉजी और वास्तु ऑनलाइन करो महेंद्र राठी जी को महेंद्र राठी जी को फर्स्ट टाइम लेकर आओ महेंद्र राठी जी को महेंद्र राठी जी को लेकर आएंगे बाकी सब म्यूट रखेंगे यस yes, सर बाकी सबको म्यूट कर दीजिए तो सुशील कुमार लिखना तो जरूरी है जिन्होंने जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है वो बिल्कुल भी चिंता मत ना करें आज मैं आपको न्यूमोलॉजी में और एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में इन दो घंटे के सेमिनार में भी आपको इतना कुछ सिखा दूंगा कि आप आप देख हैरान हो जाएंगे कि इतना कुछ है एस्ट्रोलॉजी में वास्तु में न्यूमोलॉजी में हम ये तक बता सकते हैं कि अभी आपने किस रंग के कपड़े पहने हुए आपके घर के पास में क्या चीजें हैं आपके घर में बेडरूम कहा होगा आपके घर में किचन कहाँ होगा आपके घर में सीढ़ियाँ कहाँ होगी आपके घर के बाहर कलर कौन सा होगा आपके घर के पास में जिम है या पार्क है या गंदा नाला है या नाली है ना नहर है या कुछ है ये सब कुछ हम आपके बर्थ चार्ट से देख के आपको बता सकते हैं आपका घर कौन सी दिशा में खुलता होगा आपका घर कॉर्नर का होगा या आपका घर बीच का होगा या आपका घर बंद गली का होगा आप मेरी बात को समझ रहे हैं और न्यूमरोलॉजी से एक न्यूमरोलॉजी से एक नंबर सामने वाला बता दे तो आप उसको यह बता सकते हो न्यूमरोलॉजी के नंबर नंबर से कि तेरी बॉडी में आयरन कमी होगी तेरी बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी या आपके घर में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होगा या आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम होगा या वाइटामिन डी या कैल्शियम कम होगा या ज्यादा होगा क्या आपने इस तरीके की बातें आज तक सुनी है कि एक एस्ट्रोलॉजी से एक बात से एक डेट ऑफर से आप सामने वाले के बारे में इतना कुछ बता सकते हैं एमएलपी पर बंद होंगे आगे जीते आप मुझे बताइए अभी किसी बंदे का लाइव चार्ट लेंगे और आपके सामने उसके बारे में बताएंगे रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस और मैं आज आपको एक बात और भी बताऊंगा कि जो अभी तक आप न्यूमरोस्कोप या आप आपको एक बात और भी बताऊंगा आज आपको एक की बताऊंगा कि जो भी भारत में आज तक जो न्यूमरोड पाया जा रहा है वो भारत का ही नहीं है वो तो चाइना का है और आप में से कितने लोग जानते हैं कि जो न्यूमरोलॉजी है वो भारत के ऋषियों के द्वारा नहीं के द्वारा लिखी गई है कितने लोग जानते हैं और अभी जो हमने न्यूमरोलॉजी लिखी है वो तो मैंने और मेरे गुरु ने मिलकर हम चार मेरे गुरु हैं हम सब ने मिलकर आप लिखी है और ये न्यूमोलॉजी जो मैं आपको आज को बताऊंगा ये भारत में पहले किसी के द्वारा नहीं पढ़ाई जा रही है और जो आपको पढ़ाया जा रहा है न्यूमोलॉजी में उसमें से नाइन्टी परसेंट तथ्य गलत हैं ये भी मैं आज आपको प्रूफ करूंगा प्रूफ के साथ लॉजिक के साथ में कितने लोग जानते हैं कि जो ये ग्रिड है ये किस कौन से कंट्री से आया है प्लीज कमेंट में लिखिए कितने लोग जानते हैं जो लोशो ग्रिड है कौन से कंट्री से है चाइना से है परफेक्ट और मैं आपको मालूम है पीपीटी पीपीटी चलिए सेशन को शुरू करते हैं करीब तीन सौ लोगों ने हमें ज्वाइन कर रखा है अभी और सात सौ रजिस्ट्रेशन हुए हैं हम पांच सात मिनट और वेट करेंगे लेकिन हम ज्यादा टाइम ना लगाते जितने लोगों ने ज्वाइन किया हम, हम शुरू करते हैं अभी कितने लोग ये जानते हैं आप लोगों ने सबने बताया कि जियोग्राफिकली चलिए ठीक है, है? है परफेक्ट किसी को नहीं विजिबल है तो मुझे बताइए आज मैं आपको न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के बारे में वो सब चीजें बताऊंगा कि जो आपको भी जानकर ऐसे हैरानी होगी कि वास्तु में और न्यूमोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में भी इतना कुछ है और हम लोग इससे तो बिल्कुल ही अनभिज्ञ हमें मालूम ही नहीं कि हम इतना कुछ जान सकते हैं हम इतना कुछ पता किसी को भी अभी डेट ऑफ नहीं डालनी है अपने अभी सिर्फ और सिर्फ हम आपके बारे में आपको मैं बता रहा हूं कि एस्ट्रोलॉजी न्यूमोलॉजी और वास्तु का एक नया फॉर्मूला नया प्रारूप जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ एक मैडम बोले कि मैं किस कारण से परेशान हूं यह भी हम एस्ट्रोलॉजी में देख के बता सकते हैं कि आप किस कारण से परेशान हैं और अभी आप क्या सोच रही हैं और कौन सी समस्या के बारे में आप अभी जान सकती हैं ये, ये भी हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से बता सकते हैं चलिए शुरू करें चलिए सबसे पहले आपको मेरे को सुनना है मेरी बात को सुनना है लास्ट के पंद्रह से बीस मिनट आधा घंटा हम आपको बात करेंगे अभी आपको मैसेज भेजना बंद कर दीजिए सभी लोग कंसल्ट्रेशन होके मेरे को सुने और मैं क्या बताने जा रहा हूँ इस बात पे ध्यान दीजिए और हो सकता है कि आज का जो सेशन है वो आपकी लाइफ को चेंज कर दे आई ओपनर सेशन होगा और आप देखे हैरान हो जाएंगे किस तरीके से हमारे ऋषि मुनियों ने जो एस्ट्रोलॉजी को लिखा है जो इसकी गणना की है आपको भी इसके बारे में जानकर हैरानी होगी कि इतना कुछ हमारे एस्ट्रोलॉजी में है चलिए शुरू करते हैं फिर बंद कर दीजिए चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं

और वास्तु विश्वकर्मा है इसमें क्या लिखा हुआ है आपको मैं पेज में दिखाऊंगा कि भारत में जो पढ़ाया जा रहा है वो क्या है और जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है वो क्या है चलिए शुरू करते हैं लिए। मैं सबसे पहले शुरू बताना चाहूंगा कि हम अपनी आ, एक, एक मिनट पहले ठीक है तो सबसे पहले आज के हम बात करेंगे वास्तु के बारे में और वास्तु का निमोलॉजी से क्या संबंध है वास्तु का एस्ट्रोलॉजी से क्या संबंध है मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा और ये किस प्रकार से हमारे सामान्य जीवन को यह प्रभावित करता है आइए शुरू करते हैं चलिए आज हम बात करेंगे कि वास्तु के अंदर अभी तक आपको यह बताया गया है कि कितने लोगों ने वास्तु की होगा मालूम नहीं है कि ऐसा कौन सा जोन है जो आपकी हेल्थ का जो है आप जाकर बैठ जाए तो आपकी हेल्थ ठीक रहने लग जाएगी डिजायर जानते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां है होती हैं वो हमेशा अपना क्या है एक विजन बोर्ड बनाती हैं और एक मिशन बनाती हैं कि हमारा कंपनी का मिशन क्या है और हमारी कंपनी का विजन क्या है कि हमने अगले पांच सालों में अगले दो सालों में हमें कंपनी को क्या पहुंचना है आप लोग जानते हैं और दूसरा कि हर आदमी का एक विजन बोर्ड होता है कि मेरे को कौन सी गाड़ी चाहिए कौन सा घर चाहिए आ, किस पर मुझे अगले एक साल में कितना बैंक बैलेंस चाहिए तो ये सब हम कहा लगाए मनी जोन पैसा कहाँ लगे जहां पैसा रखने से पैसा मल्टीप्लाई होता रहे नेम एंड फेम जोन कैसे आपका यूट्यूब पे लिंक आप यूट्यूब का कोई अपना आप चाहते हैं कि मेरे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बढ़े फेसबुक पे सब्सक्राइबर बढ़े इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब बढ़े कहा आप अपना यूट्यूब का लोगो लगाए तो आपका ये नेम एंड फेम हो जाए अब मैं ये सारी बातें आपको प्रूफ करता हूँ लोग एस्ट्रोलॉजी में ये सब बातें तो करते हैं लेकिन खुद उनके पास में क्या है किसी को कुछ नहीं पता है अब आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं पहले आपको पता मैंने फेम जोन में मैंने अपना, अपने आ, वो यूट्यूब का चैनल फिर सोशल मीडिया सब लगा रखा है तो आज मैं भारत का सबसे नंबर वन एस्ट्रोलॉजर वास्तुलॉजिस्ट हूँ जिसके सबसे तेजी से यूट्यूब में सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बढ़ रहे हैं और लोग भी आज बीस लाख से ज्यादा लोग मेरे को फॉलो करते हैं मात्र एक साल के अंदर मैंने एक साल पहले अपना यूट्यूब का चैनल बनाया था आप देखोगा कि आज मेरे ग्यारह लाख सत्तर हज़ार करीब ग्यारह लाख अस्सी हज़ार यूट्यूब में सब्सक्राइबर हैं करीब पौने दो लाख एक लाख सत्तर हज़ार के करीब पैंसठ हज़ार के करीब इंस्टाग्राम पे हैं एक लाख चालीस हजार के करीब मेरे फेसबुक में हैं तो मैं जो ये बातें कर रहा हूँ ये बनावटी नहीं है ये आप मैंने इनको फॉलो किया है पिछले पिछले तीन से चार सालों के अंदर और फिर अपनी लाइफ में इसको फेस किया है और फिर मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मैं प्रैक्टिकली आपको पढ़ाने जाऊंगा और ऐसी चीजें जाऊंगा जो आप तक आपने इंडिया में नहीं पढ़ी होंगी नो योर लक्की नंबर आपके अति मित्र देवता हम लोग पूरे दिन में कभी किस देवता को पूछते हैं कभी किस देवता को पूछते हैं लेकिन हमें पता लग जाए कि ऐसा कौन सा देवता है जो हमारा काम करेगा ऐसा कौन सा फल है जो हमें नहीं खाना है ऐसा कौन सा पौधा है जिसकी हमें पूजा करनी है ऐसा कौन सा पक्षी है जिसको हम जिसकी हम सेवा करें

जीव जंतु उनको ऐसा क्या खिलाया जाए ताकि आपकी समस्या कम हो जाए पृथ्वी एलिमेंट अर्थ एलिमेंट यानी कि अर्थ एलिमेंट का मतलब पृथ्वी में रहने वाले आ, जीव जंतु उनको ऐसा क्या खिलाया जाए ताकि आपकी समस्या कम हो जाए फायर एलिमेंट यानी कि हवन किस चीज़ का हवन किया जाए और कौन से दिन किया जाए और दृष्टि पांचवा जो आता है एयर एलिमेंट एयर एलिमेंट यानी कि हवा जो स्पेस एलिमेंट है वो आकाश था और यहाँ पे एयर एलिमेंट का मतलब जो हमारी ग्रीनरी है पौधे हैं पेड़ पौधे हैं उनको हम एयर एलिमेंट से देखते हैं कि वहां पे क्या किया जाए हमारी समस्याएं कम हो जाएं तो आज आपको मैं एक एक चीज के बारे में बताऊंगा चलिए शुरू करते हैं तो इसके बाद में मिसिंग एलिमेंट मिसिंग प्लेन रेमेडीज ये कैसे हमारी लाइफ को प्रभावित करती है चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे वास्तु के बारे में कि हमें एक वास्तु का ग्रिड करते समय हमें कौन क्या क्या चीजें करनी चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए वास्तु से पहले हम बात करेंगे न्यूमोलॉजी के बारे में चलिए तो अभी तक आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मैंने पूछा था कि सबने मुझे बताया था कि जो न्यूमरोस्कोप नि, है जो लोशो ग्रिड है वो चाइना से बनकर आया था और आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि चाइना अपना हेड चाइना कंट्री जो अपना सिर है वह साउथ को मानता है कि नॉर्थ को मानता है बताइए चाइना अपना हेड किसको मानता है चाइना अपने नक्शे में अपना जो सिर है वो अपना हेड है वो किसको मानता है और भारत अपना हेड किसको मानता है कौन सी डायरेक्शन को मानता है आपके सामने दोनों मैप लिखे हुए हैं कि भारत अपना मैप किसको मानता है और आपको जान के हैरानी होगी कि जो लोशो गिरा पढ़ रहे हैं उसमें ऊपर क्या आ रहा है साउथ आता है देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो लोशो ग्रिड है जो चाइना में बना था क्योंकि ये मैं चाइना के मैप को मैंने उल्टा कर दिया है पिछली पिछले में आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इंडिया के साथ में चाइना का मैप लगा हुआ है लेकिन भारत नॉर्थ को ऊपर मानता है और चाइना साउथ को ऊपर मानता है और यहाँ पे मैंने अगले सिकिड में क्या किया मैंने दोनों कंट्री के हेड को ऊपर कर दिया है आप देखेंगे दोनों कंट्री के हेड को ऊपर कर दिया है जहा पे इंडिया जहाँ पे नॉर्थ को हेड मानता है और चाइना साउथ को हेड मानता है तो इसलिए जब लोशो ग्रिड जो वहाँ पे लोशो नाम के एक ऋषि थे उन्होंने इसको लिखा था उसको इसको बनाया था तो उन्होंने चाइना के हिसाब से बनाया था चाइना की जनता के हिसाब से बनाया था ना कि भारत के हिसाब से बनाया था तो उन्होंने साउथ में साउथ को ऊपर लिखा था जबकि जो न्यूमरोस्कोप जो लोशो ग्रिड आप पढ़ रहे हैं इंडिया का हेड ईस्ट में नहीं है सर इंडिया का हेड नॉर्थ में है आप चेक कीजिएगा भारत माता की फोटो देखी कैसे आती इंडिया का जो हेड है वह नॉर्थ में है और इस, जब इंडिया को इसको ऊपर लेकर गए थे और इसको नीचे लेकर गए थे तो वह जो न्यूमरोस्कोप जो बनाया वो साउथ का है वो इंडिया पर लागू नहीं होता है इंडिया का जो जो लोशो है वो लोशो ये वाला है जो मैंने आपको दिखाया है और जो चाइना का लोसो ग्रिड है वो आपके सामने दोनों में दिख रहा है वो जो जो, जो चाइना का है वो इंडिया की जनता पे इंडिया के लोगों पे एशिया के बाकी लोगों पे लागू ही नहीं होता है ये बोल रहे हैं कि चैट बंद कर दीजिए दिख नहीं रहे हाँ कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है कि चैट बंद कर दीजिए हमें दिख नहीं है मैसेज से आपको क्या इम्पैक्ट आएगा नहीं चलो कोई बात नहीं कितने लोग मेरी बात को मेरी बात को मान रहे हैं यहाँ पे यहाँ पे बैठे कितने लोग हैं जो मेरी बात से अग्री करते हैं कि जो लोशो अभी तक आपको पढ़ाया जा रहा है वह चाइना का लोशो है और वो भारत पे लागू ही नहीं होता है किसी की ऐसा कोई बंदा है जिसकी डेट ऑफ बर्थ में छह एक और आठ आ रहे हैं वो अभी अपने एक लाइव एग्जांपल इसको समझने की कोशिश करते हैं कोई ऐसा जातक है जिसकी डेट ऑफ बर्थ में छ एक और आठ आता हो अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ तरीके सभी लोग आज मैं आपको आपको आपके सामने बताऊंगा कि छ एक आठ क्यों इसका आपकी लाइफ में क्या कहना पड़ेगा क्योंकि जितने भी अभी तक न्यूमोलॉजिस्ट हैं जो जो आपको पढ़ा रहे हैं जो कहते हैं कि मैं चौबीस चौबीस साल से पढ़ा रहा हूं जिन्होंने इसको क्या क्या नाम दे दिए हैं मुझे मालूम लेकिन आपको आप बारे में बताना चाहूंगा कि दोस्तों कि इंडिया का न्यूमरोस्कोप अभी तक इंडिया में जब से इंडिया आजाद हुआ है किसी की हिम्मत नहीं हुई है वो वैसा ही पढ़ा रहे हैं जैसा उन्होंने पढ़ा है उन्होंने वो चीज पढ़ाने की कभी कोशिश नहीं की जो एक्चुअल में भारत के शास्त्रों में लिखा है चलिए एक दो बंदों की डेट ऑफ बर्थ हैं किसी की डेट ऑफ बताइए जिसकी डेट ऑफ बर्थ में छह आठ और एक आ, तीनों आते हूँ चलिए एक डेट ऑफ बर्थ गई अपने को आठ छह उन्नीस सौ पचहत्तर एक बार स्टॉप कीजिए एक मिनट मिनट उस बंदे को अपने हाँ वो लेते हैं उनका नाम मैं भी एक लेता रहा एक मिनट एक मिनट छब्बीस एक छह एक और आठ चाहिए अपने को इनका नाम ले लेते हैं अपन अट्ठाईस दो नहीं, नहीं दोबारा लिखिए चौबीस आठ दो हजार छह इसमें एक नहीं आ रहा है छह नौ उन्नीस सौ अठासी ये ठीक है लिखिए जिनका डेटों पर छः नौ उन्नीस सौ अठासी वो अपने आपको अन्योट करें मैं अभी ले रहा हूं एक आदमी का ऋषभ ऋषभ को कर दें जी जी ऋषभ को अनम्यूट कीजिए हाँ जी ऋषभ जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए आज आपके बारे में कुछ अनुप्रेषण करते हैं ऋषभ जी नहीं आ रहे तो किसी और को लो ऋषभ जी ने अनम्यूट कर लिया अपने आप को तो हाँ जी हाँ सर हाँ जी ऋषभ जी आइए कैमरे के सामने आइए सर आवाज नहीं आ आवाज रही आवाज बहुत ब्रेक हो रही है मेरी आवाज ब्रेक हो रही है हेलो एक बार सभी हेलो लोग करो कि कर सभी को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है आ रही है आवाज मेरे बारे में बताओ सर आपका नाम क्या है सचिन अरे भैया सचिन जी आपका चार्ट नहीं लिया मैंने सौरभ जी का लिया क्या नाम है उनका ऋषभ ऋषभ जी आइए सामने चलिए कोई बात नहीं एक इनका चार्ट सोलह आठ उन्नीस सौ नब्बे इनको लो आप इनका नाम है नवीन खत्री लो इनको लो नवीन खत्री जी आप आइए नवीन खत्री जी दोनों को दो कोई बात नहीं हेलो प्रणाम गुरु जी हाँ जी कैसे हैं आप बढ़िया सर बढ़िया क्या करते हैं आप

पच्चीस और एक सात बार पंद्रह सोलह सोलह नौ पच्चीस में चौंतीस चलिए अब उनके बारे में बताता हूँ कि देखिए आपने न्यूमोलॉजी का कोर्स पहले किया हुआ कहीं से हाँ जी आपने न्यूमोलॉजी का कोर्स किया हुआ है नहीं सर न्यूमोलॉजी नहीं किया हुआ सर कोई बात नहीं चलिए बाकी किया सर किया का कोर्स किया हुआ है वो इनका चार्ट बना लीजिए इनकी डेट ऑफ बर्थ है सोलह आठ उन्नीस जिन्होंने भी न्यूमोलॉजी का कोर्स किया हुआ है वो इनका चार बना लीजिए सोलह आठ उन्नीस सौ नब्बे और मैं आपको इनके बारे में ऋषभ तो जी क्या आप मेरे को जानते हैं जी सर आप मेरे को जानते हैं या मैं आपको जानता हूँ पहले नहीं सर नहीं चलिए ठीक है अब आप मैं आपको बताता हूँ आपकी वाइफ के बारे में कि आपकी वाइफ का नेचर क्या होगा और आप, आप ये क्या है ये इनका जो माइंड है वो शार्प है ये एक बारे में किसी चीज को पढ़ लेती है तो जल्दी से किसी बात को बोलती नहीं है और ये अपनी गलती भी नहीं मानती हैं जल्दी इनसे कोई गलती हो जाए तो उसको जस्टिफाई करने में लगी रहती हैं इनकी फैमिली में किसी ना किसी को हार्ट की चेस्ट की या निमोनिया की प्रॉब्लम भी हो सकती है ऐसा भी योग है और जब भी ये ज्यादा खाना खा लेंगी तो इनको पेट में समस्या रह सकती है और यदि आपके बच्चे हैं हाँ जी एक लड़का है हाँ तो ऐसा भी योग है कि बच्चा एक बच्चा होने के बावजूद भी इनके अबोर्सन या मिस कैरेज हुआ हो ऐसा भी इनकी कुंडली में योग है और सामने वाले से काम कैसे निकालना है इनको अच्छे से आता है और ये खड़े खड़े सामने वाले की इनको यदि झूठ भी बोल दें तो ये अपने झूठ को उनको झूठ सामने वाला पकड़ नहीं पाता है और यदि ये और इतना कुछ होने के बावजूद भी इनको जब भी सामने वाले से बात करती हैं तो नेगोशिएशन इनकी काफी अच्छी है और सूर्य शुक्र का इनकी कुंडली में योग है इनकी कुंडली में केतु तो भी बन रहा है मंगल भी बन रहा है तो इनकी हाथ से चीजें जल्दी गिरती हैं चोट इनको ज्यादा लगने के योग है ऐसा भी योग है और ये मल्टी भगवान में देवताओं में बहुत ज्यादा विश्वास करने वाली हैं ऐसा भी हो सकता है जी और इनका इनका ऑपरेशन भी भी हुआ हो, या इनका छोटा था, कोई भी हुआ हो हो या छोटा कोई एक्सीडेंट कुंडली में योग है ना और, तो और इनकी को है।, चेस्ट का है सांस की प्रॉब्लम है कि नहीं है मैं अब आप पूछना चाहता कि जितने न्यूमोलॉजी बैठे हैं और इनको

यहाँ पे जितने भी न्यूमोलॉजिस्ट हैं क्या आपने इस तरीके की प्रोडक्शन पहले सुनी है मैं आपके मैं आपसे बोलना चाहता हूँ अभी तो सिर्फ इनका मैंने नेम नेम सिर्फ न, वो लिया है एक डेट ऑफ बर्थ ली है अभी इनके हाँ। बारे में तो मैंने सिर्फ दो तीन चार परसेंट ही बताया ज्यादा नहीं बताया है ऐसे लोगों हाँ लोगों को ज्यादा फास्ट फूड खाने का शौक नहीं होता है हां जी जी सर हाँ और ऐसे लोगों में इनके पास छत लग्जरी नहीं है दो पांच और कभी कभी ऐसे लोग हवा में बातें कर दें तो ऐसा भी योग है और ऐसे लोगों को ग्राउंड पे बजाय फर्स्ट फ्लोर पे रहें ऐसा भी योग है और आपके घर में यदि आप फ्लैट नहीं है और आपका फ्लोर है तो आपके घर में बेसमेंट हो ऐसा भी योग है जी अभी फ्लैट में ही रह रहे सर फ्लैट में रह रहे ना तो फ्लैट में रह रहे हैं तो आपके ऐसे लोगों को छत जमीन से ऊपर रहने का योग होता है और ऐसे लोगों की लोगों की हड्डियां भी कमजोर हो दुबले पतले हों ऐसा भी हाँ, वैसे है, लेकिन की हो सकता है ये है? है? तो कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों को हड्डियों की प्रॉब्लम हो तो भी योग है ठीक है जी जी गुरु जी हाँ तो इतना मैंने आपके बारे में बता दिया कि अभी तक मैं लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं यदि किसी ने न्यूमोलॉजी की हुई है क्या कितने लोग ऐसे हैं जो इस तरीके की परीक्षण कर पाते हैं और ऐसे लोग डॉग लवर भी होते हैं एनिमल लवर भी होते हैं हाँ जी हाँ जी और ऐसे लोगों को यदि कोई भी चीज को काटते हैं तो बड़ी सफाई से काटते हैं मतलब कि किसी चीज को जैसे मान लो कोई फल सब्जी या फ्रूट काटेंगे तो बड़े अच्छे से काटेंगे और किसी भी चीज को रखेंगे तो साफ सफाई का विषय ध्यान रखेंगे कुकिंग का है शौक कुकिंग का करते हैं चलिए मैं आपको आपके चार्ट में देख के बता रहा हूँ आपके घर के साउथ ईस्ट में वास्तु दोष होगा आपके घर के ईस्ट में वास्तु दोष होगा आपके घर के साउथ वेस्ट में वास्तु दोष होगा और इसमें पूरी पूरी संभावना है कि इन तीनों जोन में कटिंग हो कटे हुए हो और आपके यदि मैं बात करू नॉर्थ में और साउथ में ये आपके प्रॉपर हैं लेकिन ये तीन जोन ईस्ट में इस साउथ ईस्ट में और साउथ वेस्ट में तीनों जोन में वास्तु दोष होने के और घर के सेंटर में भी वास्तु दोष होने के पूरे पूरे योग हैं आप चेक कर लीजिएगा आपके साउथ वेस्ट में कोई हरा रंग हो ऐसा भी हरा रंग हो या काला रंग हो ऐसा भी योग है साउथ वेस्ट में आ, सर आ, क्या कहते हैं वहां पे वो है वॉशरूम है तो वॉशरूम टॉयलेट है वहां पे वहाँ पे टॉयलेटलेट वॉशरूम है ना तो देखो ये आपकी कुंडली है यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि अभी आपकी कुंडली में कहा सिर्फ न्यूमोलॉजी से आपको बता दिया कि आपके कहां -कहां पे वास्तु दोष हो सकता है और कौन कौन से उनको हेल्थ इश्यू आगे आ सकते हैं और कैसे वो काम वो प्रोफेशनल है हैं या हाउस वाइफ थे तो वो तो अभी नहीं कर रहे हैं अभी ये रेस्टोरेंट एक है वो उसको रन करते हैं उसको देखते हैं ठीक है, है रेस्टोरेंट का काम मैं गवर्नमेंट जॉब में वो रेस्टोरेंट देखती हैं चलिए ठीक है रेस्टोरेंट का काम कौन सा एलिमेंट का काम है आपको मालूम है अ चंद्रमा सर नहीं मून मैं कौन सा हूं बोल रहा हूँ कि कौन से एलिमेंट का काम है एलिमेंट, एलिमेंट। सॉरी वाटर सर वाटर, वाटर एलिमेंट का और इनकी कुंडली में वाटर एलिमेंट कैसा है आ... इनकी कुंडली में वाटर एलिमेंट अच्छा है क्योंकि एक नंबर दो बार आ रहे हैं तो ये वेस्टर्न का, काम करेंगी तो अच्छे से उसको मैनेज कर सकती है इस बात के इनकी कुंडली में पूरे पूरे योग है ओके ठीक है चलिए आगे बताएंगे की वाटर एलिमेंट जब भी आप किसी रेस्टोरेंट को बनाते हैं तो उसका लोगो कैसे होना चाहिए कौन से कलर का होना चाहिए बताएंगे आप मुझे आ, लोगो सर मेरे हिसाब से येलो कलर का होना चाहिए नहीं होना चाहिए येलो कलर का जैसे ही आपने लोगो रख दिया तो आपका काम नहीं चलेगा किसी भी रेस्टोरेंट okay. खाने पीने की चीजों का जो लोगो है हमेशा स्काई ब्लू और वाइट कलर का होना चाहिए तो वैसे सर हमारे में उसमें स्काई ब्लू और वाइट दोनों कलर है तो नहीं नहीं दिण दिण में दिण में। में, तो होगा लोगों में 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 आपका रेस्टोरेंट भी चलेगा और आपकी भी तो में और आपकी चीजें चलेंगी ब्लैक है है ब्लू में लिखा हुआ जो शेप रखी है वो वेवी होनी चाहिए वेव में होनी चाहिए ओके वेव वेव नहीं होना होना चाहिए चाहिए लोगों जी मैंने आज का का आपको बताया या नहीं चलेगा मैं आज आगे 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 पांच काम बताता हूं आप सुन के देखिए आपको मालूम है कि अर्थ एलिमेंट का काम एक बार इनको म्यूट कर दीजिए आप मुझे मैसेज करना है कि अर्थ एलिमेंट में कौन से काम आते हैं क्या आपने कभी सुना है किसी न्यूमोलॉजी से अर्थ एलिमेंट में कौन कौन से काम आते हैं अर्थ एलिमेंट में जो हम सूंघने का काम स्मेल का काम करते हैं अर्थ एलिमेंट का काम है और जो सुनने और बोलने का काम है जैसे टीचिंग का काम है ट्रेनिंग का काम है कोचिंग का काम है पढ़ाने का काम है वो सब कौन से एलिमेंट का काम है स्पेस एलिमेंट का काम है और जो रेस्टोरेंट का काम है खाने पीने का काम है होटल का काम है ये सब वोटर एलिमेंट के काम है क्योंकि टेस्ट का काम है और जितने भी प्रकार का डॉक्टर का एस्ट्रोलॉजी का, का काम है ये सब एयर एलिमेंट के काम है इसे बोलते हैं एयर एलिमेंट और जो जितने भी शोरूम इंडिया के अंदर हैं वो सब फायर एलिमेंट के काम है क्योंकि जो दिखता है दिखता है तो इसको बोलते हैं फायर एलिमेंट तो अभी ये सब कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा कि इसके लोगो कैसे डिजाइन होते हैं इसकी चीजें कैसे डिजाइन होती है यदि आपका एक शोरूम है और वहां पर आपने ब्लू रंग का लोगो बना दिया तो शोरूम चले नहीं चले इसके चांस फिफ्टी फिफ्टी हो सकते हैं

मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि ये सब बातें हमें आज से पहले नहीं पता है कि आज तक आपको क्लासों में ये तो सिखाया जाता है की लोगो कैसे तैयार होता है लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है तो आज किसी ने सबको म्यूट म्यूट कर कर दीजिए दीजिए चलिए आगे चलते हैं तो मैंने आपको इनके बारे में बताया कि कैसे जो न्यूमरोस्कोप है अभी तक आपको पढ़ाया जाता था वो चाइना का न्यूमरोस्कोप है जो भारत का न्यूमरोस्कोप है वो इसका बिल्कुल उल्टा बनेगा सर हमको भी अभी मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ बाद में लो अभी सब को म्यूट करो ना भाई म्यूट करो। आप सब की रखा है और मुझे लगता है की चार सौ लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे तो अभी एक एक डेट ऑफ बर्थ लेंगे तो हम बात नहीं कर पाएंगे अभी एक ही बंदे की ली थी इसको मैं लास्ट में लूंगा लास्ट में दो तीन बंदों की जातकों की डेट ऑफ बर्थ में और भी लूंगा चलिए मैं बात करता हूँ कि न्यूमरोस्कोप के बारे में जैसे आपको ये समझ में आ गया कि किस तरह से इंडिया का न्यूम्रोस्कोप होता है और किस तरीके से चाइना का लोशो ग्रिड है और चाइना का लोशो ग्रिड किसी भी प्रकार से भारत के जातकों पर अपना प्रभाव नहीं डालता है और जितने भी लोग अभी तक आपको न्यूमोलॉजी पढ़ा रहे हैं वह सिर्फ चाइना का लोशो ग्रिड से ही आपको पढ़ा रहे हैं जबकि उसका इंडिया के लोगों पर इंडिया के नागरिकों पर कोई भी किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता है किसी ने बोला कि एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं एक नहीं ये कैसे पता लगता है ये सब मैं क्वेश्चन आपको बाद में बताऊंगा नहीं तो चार्ट सेशन खत्म नहीं हो पाएगा चलिए अब आपको मैंने बताया कि लोशो ग्रिड चाइना का लोशो ग्रिड क्या है और भारत का लोशो ग्रिड क्या है जिसमें आप देख रहे हो कि चाइना के लोशो ग्रिड में साउथ ऊपर है और इंडिया के न्यूमरोस्कोप में एन ऊपर है और यही भारत का न्यूमरोस्कोप है और यही सही न्यूमरोस्कोप है और जो आप तक आज पढ़ रहे हैं वह चाइना का है इसका भारत के लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है चलिए आगे चलते हैं तो मैं बात कर हमारा बा, जो शरीर है वो कितने एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है जितने भी ब्रह्मांड है जो ये पृथ्वी है वो कितने एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है कृपया चैट टाइप कीजिए आप जितना मेरे साथ में इन्वॉल्व रहेंगे उतना आपको चीजों को जल्दी साथ में आएगा ठीक है तो इसमें सबसे आ, एलिमेंट आपको सबके सामने दिख रहे हैं तो सबसे पहले देखिए कि स्पेस एलिमेंट आता है स्पेस एलिमेंट की शेप क्या है स्पेस एलिमेंट की शेप क्या है राउंड परफेक्ट स्पेस एलिमेंट की जो शेप है वो राउंड शेप है वोट एलिमेंट की जो शेप है वो वेव शेप है एयर एलिमेंट की जो शेप है वह रेक्टेंगल है फायर एलिमेंट की ट्राइंगल है और जो अर्थ एलिमेंट है उसकी स्क्वेयर है तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले स्पेस एलिमेंट की सबसे पहले मैं देखता हूं इन्होंने कौन सा एलिमेंट है सबसे पहले बात करते हैं अभी मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले वास्तु को लेकर चलते हैं न्यूमोलॉजी को भी लेकर चलेंगे तो वास्तु तीन प्रकार से होता है विश्वकर्मा वास्तु जो विश्वकर्मा की बुक ने लिखा है एक नंबर वास्तु इसको हम बोलते हैं एलिमेंट वास्तु और तीसरा है एस्ट्रो वास्तु जो आपकी जन्म तिथि से होता है तो वास्तु कितने प्रकार का हो गया तीन प्रकार का पहला विश्वकर्मा वास्तु जो तो विश्वकर्मा जी ने लिखा है तीसरा नंबर वास्तु एलिमेंट वास्तु से कहते हैं जो चाइना में लिखा गया था और तीसरा है एस्ट्रोलॉजी वास्तु जो हमारे ने बताया था कि किस प्रकार से आपको कहा बैठना चाहिए क्या काम करना चाहिए तो तो इसको बोलते हैं हम एस्ट्रो वास्तु तो आज आप आपको तीनों चीजें बताएंगे किस प्रकार से विश्वकर्मा क्या जी कहते हैं एलिमेंट वास्तु चाइना का वास्तु क्या कहता है चाइना ने भी जो लिखा है वह भी हमारे ही किताबों से पढ़कर लिखा गया है लेकिन वह अधूरा ज्ञान जितना उनको समझ में आया उतना उन, उन्होंने लिख दिया और जितना उनको नहीं समझ में आया उतना उन्होंने नहीं लिखा तो दूसरे बाद में बात करते हैं एस्ट्रो वास्तु के बारे में जो आपकी तिथि से देखकर बताया जाता है कि, कि कौन सी दिशा में आपको बैठना चाहिए कौन सी दिशा में आपको लोगो लगाना चाहिए क्या आपको काम करने चाहिए तो ये आता है एस्ट्रो वास्तु में सबसे पहले बात करते हैं विश्वकर्मा वास्तु के बारे में चलिए विश्वकर्मा वास्तु के बारे में बात करता हूँ तो मैंने आपको क्या बताया था कि कितने एलिमेंट होते हैं पांच और सबसे पहले बात मैं करता हूँ स्पेस एलिमेंट के बारे में तो अभी तक आप जो भी चक्रा वास्तु का लगा रहे थे तो मुझे बताइए कि वो चक्र कौन सा चक्र चक्रा है ये जो आपको सामने दिख रहा है शक्ति चक्र कृपया करके नो में जवाब दीजिए अभी तक जितने भी लोगों ने वास्तु के बारे में पढ़ा है वो यही देखते हैं ना कि इस प्रकार से शक्ति चक्र आपको दिखाया जाता है और वह मार्केट में मिलता है गोल चक्रा लगा दो वही एक चक्रा है कितने लोग जानते हैं कितने लोग जानते हैं देखिए आप जितना मेरे से पार्टिसिपेट होकर काम करेंगे मैं उतना अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा हमें सिर्फ आप दिख रहे हैं आपको ये पीपीटी नहीं दिख रही है पीपीटी कैसे दिखेगी पीपीटी दिख रही है भाई आप देखिए आपको अपने फोन से क्लिक करना पड़ेगा दिख रही है यदि किसी को नहीं दिख रही है तो एक बार रुकी फोन पर मैं आपको बता देता हूं कि नहीं है जिसको नहीं मालूम है आप बिल्कुल भी चिंता ना करें मैं आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा जीरो से बताऊंगा और जिसको मालूम है सिर्फ उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि भारत में जो हमारा शरीर पांच एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है उसमें जो सबसे पहला एलिमेंट है वह स्पेस एलिमेंट है जिसकी शेप राउंड है और जिसमें शे, राउंड शेप का ग्रिड होता है यदि राउंड शेप की कोई बिल्डिंग होगी तभी राउंड शक्ति चक्र लगेगा यदि बिल्डिंग स्क्वेयर होगी बिल्डिंग रेक्टेंगल होगी तो शक्ति जो तो यह राउंड शेप का ग्रिड वहां पे नहीं लगेगा मेरी बात आपको समझ में आ रही है एक बार इनको लाइव दिखा दो कि कैसे देखना है पीपीटी दिखाओ किसी को ये बोल रहे हैं पीपीटी नहीं दिख रही है देखिए मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए क्या किसी जि, जिस घर में रह, आप रहते हो वह घर राउंड है क्या वह राउंड शेप का है आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो राउंड शेप के घर में रहते हैं मुझे बताइए हाँ यस हाँ ना मैं जवाब यदि आपका घर राउंड शेप का नहीं है तो ये सर्किल वहां पे जो ये ग्रिड है ये शक्ति चक्र वहां पे कैसे अप्लाई हो जाएगा मुझे ये बताइए ये जो स्पेस एलिमेंट है ये बोल रहे हैं कि कैसे शो होगी कुछ लोगों को शो नहीं हो रही है डबल क्लिक करना होता है डबल क्लिक इनको बता दो देखिए इसमें क्या है फोन दो देखिए आप यहाँ पे समझाइए कि यहाँ पे मेरी फोटो भी आ रही है और मेरा ग्रिड भी आ रहा है आप ऊपर ये देखिए ऐसे इनको क्लिक कर देंगे तो पीपीटी आ जाएगी मेरे को क्लिक कर देंगे तो मेरी फोटो आ जाएगी समझ में आ रही है ठीक है ये क्या लिखा है सांसद राउंड है हाँ परफेक्ट इन्होंने लिखा कि सांसद राउंड है ये बच्चा देखिए कितना अच्छा है तो यदि संसद राउंड है टीपी राउंड है कनाड प्लेस राउंड है तो वहीं का ही शक्ति चक्र राउंड लगेगा यदि आपका घर स्क्वेर है आपका घर रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई चौड़ाई फर्क में फर्क है तो वहां पे ये शक्ति चक्र कैसे लग जाएगा मुझे बताइए तो जो बिल्डिंग राउंड होगी वहीं पे ही राउंड सर्किल लगेगा वहीं पे ही राउंड ग्रिड होगा जो बिल्डिंग सर्किल ही नहीं है वहां पे कैसे होगा आपको मैं इस बात को लॉजिक से बताता हूँ। आगे चलते हैं सबको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आगे देखिए उसके बाद होती है एयर एलिमेंट का प्लॉट जिसमें लंबाई और चौड़ाई अलग-अलग होती है जिसमें लंबाई और चौड़ाई अलग-अलग होती है तो उसे बोलते हैं एयर एलिमेंट का प्लॉट तो वहां पर इस प्रकार का ग्रिड बनेगा जो मैं आपको दिखा रहा हूं आका जो एयर एलिमेंट के प्लॉट हैं, जहां पर लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है वहां पर जो ग्रिड होगा वो इस प्रकार से होगा क्या आपने आज से पहले इस प्रकार का ग्रिड आपने देखा है अभी तक तो आपने शक्ति चक्र को देखा है वो जो बिल्डिंग चौरस है बिल्डिंग लंबी है गोल है रेक्टेंगल है सब में ऐसे ही लगा दिया मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे कितने एलिमेंट होते हैं हमारे पांच एलिमेंट होते हैं स्पेस एलिमेंट जिसकी शेप राउंड है एयर एलिमेंट जिसकी शेप रेक्टेंगल है यदि आपकी शेप रेक्टेंगल है तो वहां कैसी होगी ही होगी। आप देखिए अब मान लीजिए किसी का प्लॉट ना रेक्टेंगल है मतलब लंबाई चौड़ाई में फर्क है ना ही गोल है किसी का प्लॉट रेक्टेंगल है रेक्टेंगल समझ गए आप अग्नि शेप का क्या आपने ऐसे प्लाट देखे ऐसे प्लाट आपको अमूमन दिख जाएंगे जरूरी नहीं है कि वो शेप ऐसी ही हो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो शेप एक तरफ बड़ी हो और एक तरफ टेडी हो यहाँ पे कुछ हो नहीं चलेगा वाइट बोर्ड ठीक है मैं आपको एग्जाम्पल से बता देता हूँ लोटस टेम्पल परफेक्ट देखिए बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं ट्राइंगल शेप ट्राइंगल शेप का मतलब जैसे न्यू सांसद जो बनी है वह भी ट्राइंगल शेप में बनी है तो यदि न्यू सांसद यदि कोई भी चीज जिसकी शेप ट्राइंगल होगी तो वहां पे ग्रिड कैसा होगा ट्रायंगल होगा आप देखिए क्या आपने आज से पहले इस प्रकार का ट्रायंगल ग्रिड देखा है क्या आपने इस तरीके से मंदिर परफेक्ट बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं जो ट्रायंगल शेप में भी बने हुए हैं आप अभी तक आपने सिर्फ और सिर्फ शक्ति चक्रा को देखा है वो कैसे भी शेप का प्लाट हो वहां पे उठा के वो एक ही शक्ति चक्र लगा देते हैं एक ही गोला लगा देते हैं कि यही गोला है ये सर दुनिया में लागू होगा अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ट्राइंगल शेप और कौन कौन सी होती है जब तक ये रेडी हो रहा है मैं आपको आगे बताना चाहूंगा इसके बाद होता है अर्थ एलिमेंट अर्थ एलिमेंट का प्लॉट का मतलब है स्क्वेयर जिसकी शेप चोरस होगी उसको क्या बोला जाता है अर्थ एलिमेंट मतलब कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई एक जैसी होगी उनको अर्थ एलिमेंट कहा जाता है या तो वहां पर जो ग्रिड होगा वो कैसे होगा अब वो प्लॉट कॉर्नर का है या वो नई कॉर्नर का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें तो ये देखना है कि प्लॉट की शेप क्या है अब मेरी बात को समझ रहे हैं देव जी इसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह प्लाट कॉर्नर का है या नई कॉर्नर का है हमें तो सिर्फ ये देखना है कि प्लॉट की शेप क्या है कि प्लेट शेप शेप का है, रेक्टेंगल शेप का है है रेक्टेंगल या फिर ट्रेंगल का है या गोल शेप का है और जो पांचवा प्लॉट होता है वह कौन सा होता है वोटर एलिमेंट लेकिन वोटर एलिमेंट की कोई भी शेप हमारी नहीं बताई गई है उसमें यह कहा गया कि वोटर एलिमेंट की कोई भी शेप नहीं होती तो अभी जो ग्रिड होगा वह चार प्रकार से होगा कौन कौन से शेप से होगा अभी उन्होंने बोला कि जो कटिंग होगा वो शेप कौन सी होगा ये भी मैं आपको हूं। अभी रुकिए एक मिनट होल्ड कीजिए। देखिए अब आपको मेरा ये स्क्रीन दिख रही है अब आपको मैं इसमें बताना चाहूंगा कि मान लीजिए कि कोई प्लॉट इस शेप का है तो ये कौन सी शेप हो गई ट्राइंगल शेप हो गई तो यहां पे कौन सा एलिमेंट लगेगा

जैसे ही आप इसके ऊपर शक्ति चक्र लगाएंगे तो इसका तो वास्तुगा yes, तो क्या इसका वास्तु हो जाएगा जैसे ही आप शक्ति चक्रा लगाएंगे, यहां चक्र लगाएंगे यहाँ पे चक्कर लगाएंगे तो ये तो पूरा का पूरा जोन ही आपको वो ही नहीं है यहाँ पे यही जोन है तो कैसे होगा वास्तु बताओ आप तो भैया अभी तक जो आप वास्तु रहे थे वह वास्तु सही वास्तु नहीं है जिसने आपने सीखा वो नहीं है जो नहीं जानते वो बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए मैं आपको जीरो से सिखाऊंगा आपको टेंशन ना लीजिए अब मान लीजिए किसी का प्लॉट कटा हो या बड़ा हो तो कैसे होता है देख लीजिए मान लीजिए कि एक प्लॉट है ऐसा करके बना हुआ है कटा हुआ है हम मेरी बात को समझ गए तो इसकी दो शेप निकल कर आएंगी पहला शेप रेक्टेंगल दूसरा स्क्वेर तो ये कितनी शेप का प्लाट हो गया तो इसके दो ग्रिड बनेंगे मोस्टली इंडिया के लोग जितने भी आपको वास्तु सिखा रहे हैं वो क्या करते हैं इसका एक ही ग्रिड कर देते हैं यहाँ पे लगा देते हैं और यू से कर देते हैं ऐसा नहीं होगा यहाँ पे कितने ग्रिड बनेंगे दो ग्रिड बनेंगे क्योंकि प्लाट कटा हुआ है और यदि दोनों की लंबाई चौड़ाई में फर्क है तो इन दोनों को ही हम एयर एलिमेंट का या अर्थ एलिमेंट का वो लंबाई चौड़ाई के हिसाब से मानेंगे लंबाई चौड़ाई दोनों के बराबर होगी तो इनके दो ग्रिड होंगे और दो ग्रिड के हिसाब से ही इसको करेंगे इसके सेंटर भी दो होंगे परफेक्ट जो कोना कटिंग होगा तो बहार हो जाएगा ना वो बाहर ही हो गया कोना माने नहीं नहीं अब मान लीजिए एक एक एग्जाम्पल बताते हैं कि एक प्लॉट है ऐसा तो इसका छोटा सा कपलाट कटा हुआ ऐसे करके अब देखिए तो इसके ऊपर दो ग्रेड नहीं होंगे इसका एक ही ग्रेड होगा तो हम यहाँ पे मान फिर भी जो जो ये जोन कटा हुआ है तो इसको हम कटिंग जोन में मानेंगे ये आपको अभी आगे दिखाता हूँ पीपीटी में मैंने इसकी एक पूरी पीपीटी बना रखी है आप देखे हैरान हो जाएंगे कि इतना कुछ वास्तु में है और किस प्रकार से वास्तु वास्तु पुरुष ने हमारे ऋषियों ने इतना कुछ आपको दिख, बता रखा है चलिए अब आपको मैंने दिखाया कि अर्थ एलिमेंट जिसके भी प्लॉट जिसके भी प्लॉट मान लीजिए शेप में है तो उनको अर्थ एलिमेंट का प्लॉट हम कहेंगे चलिए अब आते हैं आगे कि हम वाटर एलिमेंट का मतलब नो शेप पानी की कोई भी शेप नहीं होती है इसलिए उसका कोई भी ग्रिड नहीं होगा अब अपने बात करेंगे चलिए िस देवी देवता के बारे में कितने लोग ये जानते हैं कि वास्तु में पैंतालीस देवी देवता होते हैं कितने लोग जानते हैं कि वास्तु में पैंतालीस देवी देवता होते हैं ठीक है आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ये जानते हैं कि वास्तु में पैंतालीस देवी देवता होते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वास्तु विश्वकर्मा का पेज नंबर क्या है आपके पास किसी के पास वास्तु विश्वकर्मा किताब है पेज नंबर 136 यदि किसी के पास किताब है तो पेज नंबर 136 इसका खोल के देखिए ये वास्तु विश्वकर्मा मेरे पास किताब है जितने भी वास्तु वाले पढ़ाते हैं आज मैंने एक बच्चे को भी देखा कि वो वास्तु पढ़ा रहा है और वो कहता है कि मैं इंडिया का नंबर वन वास्तु एक्सपर्ट हूं और ये किताब को लेके दिखाता है मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वास्तु विश्वकर्मा के पेज नंबर एक पढ़िए आप उसमें साफ साफ लिखा उसकी मैंने पेपर की कटिंग भी लिखा है कि एक एक पद दिया गया है जयंत युद्ध सूर्य सत्य और को दो दो पद दिए गए हैं और कुछ देवताओं को एक एक पद दिया गया है किसी को, को दो दो पद दिए गए हैं किसी को, को तीन तीन पद दिए गए हैं और सबसे ज्यादा जो पद दिए गए हैं वह ब्रह्मा जो को दिए गए हैं वो कितने पद हैं नौ पद हैं अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार से आपको जितने लोगों ने अभी तक वास्तु सीखा है किस प्रकार से क्या सिखाया जा रहा है और क्या है मैंने आपको क्या बोला कितने पद है कितने पद है एक एक पद है और ये कौन सा जोन है नॉर्थ ईस्ट जोन है हम आपको समझाने की कोशिश करता हूँ तो पढ़ेंगे आप देखिए कि जो ये चक्रा है जो मार्केट में मिलता है और जो ये ग्रिड ये मैंने आपको दिखाया है आप सबको ग्रिड दिख रहा है ना आप इसको ग्रिड थोड़ा बड़ा करके देखिए कि आप देखेंगे ग्रिड को जैसे ही आप देखेंगे बड़ा करके मैं दिखा रहा हूं तो यहाँ पे जितने भी देवी देवता हैं उन सबको एक लाइन में अरे एक बर्फी के टुकड़े में दिखा दिया गया है आमिर मेरी बात को समझ रहे हैं जितने भी देवी देवता हैं चाहे वो प्लाट स्क्वायर है चाहे वो प्लाट गोल है चाहे वो प्लाट रेक्टेंगल है सभी को एक बर्फी के टुकड़े के रूप में दिखा दिया गया है जबकि वास्तु विश्वकर्मा के पेज नंबर आप पढ़िए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे उसकी कटिंग नहीं लगाई है पेज नंबर चौबीस ये देखिए आप पेज नंबर चौबीस आपको दिख रहा है विजिबल है ये

पे एलिमेंट का है जो अर्थ एलिमेंट का प्लाट है वहां पे तो ग्रिड लागू ही नहीं होगा आगे चलते हैं अब बात करेंगे नेक्स्ट की अब आगे करते हैं नेक्स्ट की बात आप सभी को समय में तो, समय में तो आ रहा है ना जिसको नहीं समय में आ रहा बिल्कुल नहीं आएगा लेकिन आप मेरे को सुनते रहिएगा चलिए अगली अगली नेक्स्ट बात करता हूँ आगे की बात करता हूं मैं चलिए आगे की इसमें आया कि पैंतालीस देवी देवता उसके बाद बात करूंगा कि सोलह जोन के बारे में आप देखेंगे कि किस तरीके से जो ये अर्थ एलिमेंट है उसमें सोलह जोन कैसे लागू होते हैं आप देखिएगा कि मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाने की कोशिश करता हूं कि जो ये नॉर्थ ईस्ट जोन है यह सिर्फ इतना सा जोन ही है आप मेरी देख, देखने की कोशिश करें यहाँ पे लाइट जलती है लाइट चलिए इनको छोटा कर देता हूँ मैं आपको देखने की कोशिश कीजिएगा आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट जो जोन है वो बिल्कुल छोटा जोन है उसके बाद बड़ा जोन है और ईस्ट सबसे बड़ा जोन है क्योंकि उसके पास सात पद हैं और सबसे बड़ा जोन ब्रह्मा है तो आप देखिए देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये नॉर्थ ईस्ट देखो सबको समझ में आ रहा है नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल छोटा जोन है जबकि मैं चक्रा की बात करता हूं तो यहां पर यदि मैं देखूं एन एड ई वन देखते नॉर्थ ईस्ट जेरा तो यहाँ पे बिल्कुल बराबर का जोन कर रखा है जबकि सेंटर सबसे बड़ा जोन है इसको सबसे छोटा दिखा रखा है आप आप मेरी बात को समझ रहे हैं और ईस्ट जोन जो यहाँ से लेकर यहाँ पे है उसको भी इन्होंने बराबर दिखा रखा है देखिए आप मतलब कि नॉर्थ ईस्ट को भी बराबर ई भी बराबर और जो ब्रह्मा सबसे बड़ा है उसको तो गाय भी कर दी तो जोन ही नहीं है तो कैसे वास्तु होगा आप मुझे बताने की कोशिश कीजिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ मैं वो बातें बता रहा हूँ जो हमारे ग्रंथों में लिखी गई हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखी गई हैं अब मैं बात करता हूँ अगले नेक्स्ट की बात कर रहा हूँ कि इसके बाद आप देखिए कि सोलह के सोलह जोन किस प्रकार से इसमें आएंगे वही मैंने बताया है। और नौ ग्रह जो नौ हमारे प्लेनेट होते हैं वह किस प्रकार से उनको कैसे स्थापित किया जाता है यह भी बताया गया है जबकि जो चक्रा है उसमें कहीं पर भी, भी ग्रहों के बारे में कोई भी बात नहीं की जाती है उसके मैं बात करूंगा बत्तीस एंड्रिया जो हमारे बत्तीस एंड्रिया होती हैं देखिये कि यदि कोई प्लॉट स्क्वेर है तो एंट्री कैसे होंगी और जो राउंड है वहां पे एंट्री कैसे होंगी वहां पे हमें समझ में नहीं आता है आप इसकी बात को भी देख के समझने की कोशिश करिएगा और उसके मैं बात करूंगा कलर शेप कि कौन से जोन में कौन सा कलर होना चाहिए ये भी मैंने आपको एक एक जोन के बारे में बताया कि इस प्रकार से कलर होना चाहिए किस किस में जोन के अंदर और यदि मैं चक्रा की बात करूं तो वहां पे आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि किस जोन में कौन सा कलर हमें होना चाहिए कमेंट एक बार ऑफ कर दो सभी लोग बोल रहे हैं कमेंट ऑफ कर दो एक बार पर तो कमेंट से क्या बार बार वापस ऊपर आ जाता है एक बार कमेंट ऑफ कर दो एक बार सिर्फ मेरे को सुनेंगे आप ऑफ हो तो गया ठीक है तो आप देखिए कि किस प्रकार से जैसे जो वोटर एयर एलिमेंट है उसकी जो शेप है वो आ, रेक्टेंगल है आयताकार है यदि वहां पर कोई भी वस्तु लगेगी आर्टिकल लगेगा और यदि वहां पर डाइनिंग टेबल भी लगेगा यदि आपको खाना भी खाना है तो कौन सी शेप का लगेगा रेक्टेंगल शेप का लगेगा और यदि वहां पर ऊपर लगने वाला झूमर भी लगेगा

यदि आप खाना खाएंगे टेबल लगाएंगे डाइनिंग टेबल लगाएंगे तो उसकी शेप राउंड होगी झूमर लगाएंगे तो उसकी शेप भी राउंड होगी घड़ी लगाएंगे तो भी शेप राउंड होगी आर्टिफेट लगाएंगे तो भी शेप राउंड होगी और वहाँ पे व्हाइट कलर आएगा वहाँ पे हरा कलर इसका दुश्मन है और इसी प्रकार से यदि मैं अर्थ एलिमेंट की बात करता हूँ तो यहाँ पर आप यदि आपका टेबल है या आपका ऑफिस है तो उसकी टेबल की शेप है स्क्वेयर होगी झूमर भी स्क्वेयर होगा जो घड़ी है वह भी स्क्वेयर होगी आर्टिफेट भी स्क्वेयर होंगे और ऐसी हर जोन के अलग अलग शेप्स हैं अलग अलग कलर हैं आज से पहले आपको इतना किसी ने कुछ बताया है आप खुद चेक कीजिए इस प्रकार से वास्तु होता है यदि इस प्रकार से वास्तु नहीं होता तो क्यों पांच प्रकार के टेबल बने हुए हैं आप बताइए ना मेरे को क्यों जो जितने मार्केट में झूमर लेने जाते हैं तो गोल झूमर भी हैं वहाँ पे स्क्वेर झूमर भी हैं वहां पे रेक्टेंगल झूमर भी हैं हम जहाँ से उठाते हैं और इंडिया अपने घर में कहीं भी उठाकर वो झूमर लगा देते हैं तो क्यों पांच शेप के झूमर बने हुए हैं मुझे बताइए एक बार कमेंट डाउन कीजिए आम से आप मार्केट में जाते हैं ना टेबल टेबल की शेप आपको पांच शेप नहीं दिखती रेक्टेंगल शेप भी दिखती है स्कोर शेप भी दिखती है गोल शेप भी दिखती है आपको चोर्स भी दिखेंगी आपको पानी वाली वेव की शेप भी दिखेंगी बताओ मैं सही बोल रहा हूँ गलत तो बोल रहा हूँ आज तक आपको इस बारे में किसी ने बताया कि आपको कौन सी जगह पर कौन सा लगाना चाहिए यदि ये सब कुछ चीजें हैं इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो होगा आपको इसके बारे में आज तक कोई किसी ने नहीं बताएगा मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ क्योंकि वो जिन्होंने वास्तु किया है उन्होंने सिर्फ वास्तु लोगों से सीखा और वो खुद ने बोलते हैं कि हमने रिसर्च की है और यदि किसी ने रिसर्च की है तो अपनी रिसर्च पेश करे मैंने रिसर्च की है मैं अपनी रिसर्च पेश कर रहा हूँ आप सभी के सामने हमारी बात को समझने की कोशिश की थी ये रिसर्च मेरी की हुई है मेरे मैंने अपने गुरु के साथ मिलकर की है और आपके सामने मैं इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं किसी भी प्रकार के इगो में, में बात नहीं कर रहा मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इंडिया में अभी तक जो पढ़ाया जा रहा है वह सही वास्तु नहीं है आगे चलने की बात करता हूँ मरम देवता अति मरम देवता हमारी बॉडी में जैसे मरम देवता होते हैं जो ये हमारी बॉडी के सेंसिटिव पॉइंट होते हैं जिसमें जैसे हमारी ये कान है चेहरा है हमारी आंखें हैं हमारा पेट की नाभी है हमारे जेनेटिकल पार्ट्स हैं ये हमारी बॉडी के सेंसिटिव पार्ट हैं उसी प्रकार से मरम देवता के भी हमारे घर में भी अति मरम पॉइंट होते हैं यदि यहाँ पर कोई हैवी चीज रख दिया जाए तो हमारी बॉडी का वो पार्ट दर्द करने लग जाता है यहाँ पे पिलर नहीं होना चाहिए कायदे से यहाँ पे दीवार भी नहीं होनी चाहिए लेकिन दीवार हो सकती है तो दीवार का पिलर यहाँ पे नहीं होना चाहिए चलिए अब मैं बात करता हूं ब्रह्म नाड़ी के बारे में ब्रह्म के बारे में जितने जितने भी आपने शक्ति चक्र देखे होंगे या चक्रा देखा होगा तो वहाँ पे ब्रह्म स्थान के बारे में नहीं बताया गया है जबकि ब्रह्म स्थान आपको मैंने दिखाया है कि यह सबसे बड़ा ब्रह्म स्थान है आप देखेंगे तो ये देखिए ये पूरा ब्रह्म स्थान है जबकि यहाँ पर देखेंगे तो ये पूरा का पूरा ब्रह्म स्थान को खा गए हैं तो इस प्रकार से मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है और अब मैं बात करता हूँ ग्रीडिंग के बारे में अब ग्रिड होता कैसे है और हम वास्तु को समझने की कोशिश कीजिए इसको मैं तो आपको समझाने की कोशिश करूंगा यदि आपके पास वास्तु विश्वकर्मा किताब है तो ठीक है नहीं तो मैं बता दूंगा पेज नंबर चौबीस पे वास्तु विश्वकर्मा में लिखा गया है पेज नंबर चौबीस में कि मुखंड में पैंतालीस देवी देवताओं की उपस्थिति होना जरूरी है यदि उनमें से एक देवता भी आपका बाहर हो जाता है तो वहां पे वास्तु दोष आ जाता है आप घर में कितने भी पानी का झरना रख लीजिए रंग करा दीजिए एलिमेंट करा लीजिए वास्तु करवा लीजिए यदि आपका देवता बाहर हो गई तो वो वास्तु आपका सही नहीं होगा क्योंकि एक भी देवता आज इंडिया में इंडिया में छोड़ो पूरे वर्ल्ड में नाइनटी घर ऐसे हैं जो रोटेट हैं आप बात को समझ रहे रोटेट है यहाँ पे मैंने देखा है कि यहाँ पे देखेंगे कि मैंने 16 डिग्री इस घर को नॉर्थ को रोटेट कर दिया आप इसको समझने की कोशिश करना देखिए कि नॉर्थ जो जीरो डिग्री पे होना चाहिए था वहां पे ना होके मैंने इसको 16 डिग्री रोटेट कर दिया और इसका नक्शा मैंने बनाया बिल्कुल रेक्टेंगल और उसको भी नक्शा बनाकर इस प्लॉट को मैंने जैसे ही रेक्टेंगल किया तो आप देखेंगे कि इसमें नॉर्थ ईस्ट इस कट गया नॉर्थ वेस्ट कट गया साउथ ईस्ट कट गया ये देखो आप और ये साउथ वेस्ट भी कट गया और वेस्ट साउथ वेस्ट बढ़ गया और ई एन ई बढ़ गया वेस्ट बढ़ गया ईस्ट बढ़ गया लेकिन जैसे ही आप चकरा की बात करते हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा एरिया कट गया और कौन सा एरिया बढ़ गया कृपया कमेंट करके जवाब दीजिए आपको समझ में आ रहा है चकरा से कि कौन सा एरिया कट गया और कौन सा एरिया बढ़ गया कमेंट ऑन कर दीजिए। आपको चक्रा को देख समझ में आता है कि कौन सा जोन कम हो गया कौन सा जोन बढ़ गया न्यूमोलॉजी के बारे में बताएंगे सर चिंता मत करिए न्यूमोलॉजी के बारे में बहुत कुछ बताना है तो मैं आपको जिन्होंने भी वास्तु किया हुआ है और जिन्होंने नहीं किया तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना किस प्रकार से किस गहराई से वास्तु के बारे में हमें बताया गया है अब मैं बात करता हूँ रेक्टेंगल प्लाट की और यहाँ पे हमने रोटेट किया है अट्ठाईस डिग्री पहले हमने रोटेट किया था सोलह डिग्री अब हमने रोटेट किया अट्ठाईस डिग्री तो मैंने दोनों का कंपेयर करके दिखाया है की देखिये जैसे ही हम प्लॉट को 28 डिग्री रोटेट करते हैं तो आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट आप देखिए कि पूरा का पूरा बाहर हो गया बहार हो गया और यहाँ पे वेस्ट और साउथ वेस्ट बहार हो गया और जब हम इस पर चक्रा लगाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि नॉर्थ ईस्ट छोटा है कोई भी जबकि चक्रा में देखो कि आप देखो कि नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे आ रहा है देखो मेरा सर्क, मेरा सर्किल देखना कि नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे आ रहा है जबकि नॉर्थ ईस्ट तो वही रहेगा ना जहाँ पे है ये देखो और नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा कट गया है जबकि यहाँ पे दिखा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट कटा नहीं है नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा है तो क्या ये वास्तु सही हो पाएगा इस घर का आपने सामने वाले को एक वाल के मैं पंद्रह लाख रुपए लेता हूँ मैं बारह लाख रुपए लेता हूँ या मैं बीस लाख रुपए लेता हूँ तो क्या आपने उसको पैसे तो दे दिए क्या वो चक्रा से सही वास्तु कर रहा है मेरे को बताइए आप मेरा मेरी बात का आंसर दीजिए मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ क्या आप इस तरीके से वास्तु करेंगे तो आपके आपके घर का वास्तु हो जाएगा सही इतना डीप आपको समय में नहीं आएगा अभी आप अभी देखते रहिए चलिए अब मैं आगे आपको बताता हूँ न्यूमरोलॉजी के बारे में भी आपको बहुत कुछ बताऊंगा चलिए तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ ही अब ये बार चार्ट भी कैसे बनेगा ये बार चार्ट आप देखिए ऐसे बनेगा कि आप देखिए कि इसका नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल जीरो हो गया है तो जो बार बार चार्ट में नॉर्थ ईस्ट को हम इसको जीरो दिखाएंगे और जब आप दूसरा बार चार्ट बनाते हैं जो चक्र के हिसाब से बार चार्ट बनता है वह बिल्कुल ही गलत बार चार्ट बनता है तो इस प्रकार से बार चार्ट बनेगा कि कौन सा एरिया यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि ब्लू में कि इतना जोन होना चाहिए था रेड में इतना जोन होना चाहिए था और एक्चुअल में इतना जोन है क्योंकि सबके पद अलग-अलग हैं और सबके जोन अलग-अलग हैं इसमें हमने जो भी एक्सेल बना रखी है इसमें हमने पूरा दिखा रखा है कि ये कैसे इस चीज को किया जाएगा चलिए आगे चलते हैं अब बात करते हैं नंबर वास्तु की न्यूमोलॉजी की वास्तु में आपको समझ में आया अब एक बार सभी को अनम्यूट कीजिए

और ये और तो आपको बताने की कोशिश करता हूँ की वास्तु विश्व के पेज नंबर तेईस में रेक्टेंगल शेप में बताया गया है की कि किस प्रकार से देवताओं की स्थापना होगी और पेज नंबर चौबीस में बताया गया है की कि किस प्रकार से यदि प्लोट स्क्वेयर है तो देवताओं की स्थापना होगी और इसी प्रकार से ही वास्तु रत्नावली वास्तु रत्नावली एक ग्रंथ है जो भी विश्वकर्मा जी के द्वारा ही लिखा गया है उसमें पेज नंबर 200 में और 201 में बताया गया है कि प्लॉट यदि रेक्टेंगल होगा तो उसका ग्रिड कैसे होगा और प्लॉट गोल होगा तो उसका ग्रिड कैसे होगा और अभी तक भारत में द आपको मैं आपको पेज नंबर और जो भारत के जो सबसे बड़े ग्रंथ हैं मैं ये सामने आपको लाइव करके बता रहा हूँ कि ये ऐसे वास्तु होता है दोस्तों और अभी तक आप जो वास्तु सीख रहे हैं या आप अपने घर का वास्तु करवा रहे हैं वो उसके रिजल्ट आने के चांसेस फिफ्टी परसेंट से भी कम है तो आपका भाग्य अच्छा है आपकी कुंडली अच्छी है तो काम चल जाएगा नहीं तो वास्तु वाला अपने पैसे ले गया आप अपना वैसे वैसे चलता रहेगा और मैं जो भी चीजें बता रहा हूँ बिल्कुल लॉजिक से बता रहा हूँ और इस प्रकार का वेबिनार इस प्रकार की चीजें आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी नहीं सुनी होंगी अब मैं बात करता हूँ नंबर वास्तु के बारे में और अभी आपको मैं ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आप सामने वाले की डेटों पर देखे उसका एस्ट्रो देखे मैंने एक बंदे को पूछा किसी से कि आप एस्ट्रो वास्तु करते हैं क्या सब एस्ट्रोलॉजी तो कोई बात ही नहीं एस्ट्रोलॉजी का वास्तु में कोई रोल ही नहीं है अरे भैया यदि एस्ट्रोलॉजी का कोई रोल नहीं है जो नौ ग्रह हैं वास्तु में आते हैं जो ग्रहों में आते हैं तो उनका कोई रोल नहीं है क्या बारह राशियों का आपके वास्तु में कोई रोल नहीं है क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि रोल है कि नहीं है एस्ट्रो वास्तु का आप मुझे बताइए आप मुझे बताइए कि आपकी जन्म कुंडली का आपके वास्तु में रोल है कि नहीं है हंड्रेड परसेंट है बिना आपकी जन्म कुंडली से आपका वास्तु हो ही नहीं सकता मैं ये भी बात अभी आपको प्रूव करूंगा अभी अभी आपके सामने देखिए कि कैसे होता है और कैसे चीजें काम करती हैं चलिए नंबर वास्तु की बात करते हैं तो भारत के अकॉर्डिंग बात करते हैं आप देखने की कोशिश कीजिए कि मैंने देखिए कि ये भारत का न्यूमरोस्कोप है जिसमें नॉर्थ ऊपर आएगा नॉर्थ ईस्ट इधर आएगा नॉर्थ में सीधे आएगा साउथ में सीधे रहेगा साउथ आएगा चलिए आपको नोट कीजिए अब मुझे एक बात बताइए मैंने लिखा है और एक मिनट कीजिए कर दीजिए मैं अभी बोलना चाहता हूँ यहाँ पे बहुत लोग आप बैठे हुए यहाँ पे कि जो पहला प्लेन है छह एक आठ ये देखिए जो पहला प्लेन है मैं अभी न्यूमोलॉजी की बात कर रहा हूँ और न्यूमोलॉजी से भी वास्तु कैसे होता है उसके बारे में बात बताऊंगा कि जब तक आपको न्यूमरोलॉजी और वास्तु तीनों चीजें नहीं आएंगी दोस्त यदि का किसी की डेट ऑफ बर्थ में आठ नहीं है उसके नॉर्थ ईस्ट में वास्तु दोष होगा उसको आंखें बंद करके बोत देना जिसकी डेट ऑफ बर्थ में आठ नहीं होगा वह बंदा ज्यादा स्मार्ट नहीं होगा उसकी फाइनेंस मैनेजमेंट ज्यादा अच्छी नहीं होगी वो सामने वाले से कैसे काम निकालना है उसको नहीं आता है। देखे जैसे एक डेट ऑफ बर्थ आई है पंद्रह बारह उन्नीस सौ इक्यानवे रोहित प्रसाद जी इनको लाइव लेके आओ रोहित प्रसाद जी को जुगल किशोर जी छह इनको भी दो तीन बंदों को लाइव लेके आओ जिनकी डेट ऑफ बर्थ आठ में नहीं है रोहित पटेल जी वही है जी गुरु जी नमस्कार गुरुजी नमस्ते जी आ, आपकी वीडियो नहीं दिख रही मेरे को वीडियो मैंने कराई कोई बात वीडियो है? भी ऑन करना है आप वीडियो ऑन कीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ में आठ नंबर नहीं है जी गुरु जी। तो मुझे बताइए कि जब आपके डेट ऑफ बर्थ में आठ नंबर नहीं है तो आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में वास्तु दोष होगा और आप आप मन के ना बिल्कुल वैसे ही होंगे

और आपको किसी बंदे से बातें घुमाकर कैसे काम करना है यह भी नहीं आता है जी बिल्कुल ठीक है और आप देखिए जैसी किसी की डेट ऑफ बर्थ में आठ नंबर नहीं है तो कितना आप सामने वाले के बारे में कर सकते हैं और ऐसे लोग हवा में बात कर दें ऐसा भी योग है कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना कि बात का फैक्ट नहीं पता होता सामने वाले से ऐसे लोग जल्दी प्रभावित हो जाते हैं जी जी

आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए दिवे शर्मा जी जी काम हैं आप? गुरुजी जी पे का हैं कैमरा ऑन जी कैमरा ऑन है तो? नहीं दिख रहे हैं आप ना। ना। हाँ जी दिव्य जी आपकी डेट ऑफ बर्थ में तीन नंबर नहीं है जिनकी डेट ऑफ बर्थ तीन नंबर नहीं होता उनके घर में किसी ना किसी को हार्ट की प्रॉब्लम चेस्ट में प्रॉब्लम या निमोनिया की प्रॉब्लम भी हो सकती है आपके घर के एक नहीं। वास्तु दोष होगा ऐसा भी हो सकता है और आप जब भी आपके साथ में समस्या आ जाती है तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने हाथ खड़े कर दें आपको समझ में नहीं आए कि मुझे क्या करना है बिल्कुल और ऐसे लोग मोस्टली नाइन्टी परसेंट लोग सभी की बात नहीं करता ऐसे लोग सोशल मीडिया में कम एक्टिवेट होते हैं बिल्कुल सही है और ऐसे लोग मीडिया में भी हो जाएं, तो उनको जल्दी से या वो नहीं मिलती है और जब भी आपके साथ में समस्या आ जाती है तो आपको आपको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं आप किसी की हेल्प के लिए बात करें बिल्कुल है गुरु जी चलिए ठीक है जी आगे चलिए अब किसी की डेट ऑफ बर्थ में चार नंबर नहीं है या आ, दो नंबर नहीं उनको बुलाई दो नंबर उनको बुलाई ये एक एक अभी एक फीमेल लेते हैं दो नंबर वालों को जिनकी दो नंबर नहीं है अठारह आठ उन्नीस सौ तिरानवे उन्नीस सौ तिरानवे जुगल किशोर जी को लाइए युगल जूग, किशोर अठारह हाँ आठ उन्नीस सौ तिरासी गुरु जी प्रणाम हाँ जी युगल जी आप। हाजी, हाजी, हाँ आप हाँ जी हाँ जी हाँ कैमरा ऑन कीजिए अपना आप कैमरा सर यहाँ पावर नहीं है लाइट नहीं है सर चलो कोई बात नहीं जुगल जी मैं हाजी. आपके डेट ऑफ बर्थ में दो नंबर नहीं है और डेट अठारह आठ उन्नीस सौ तिरासी ऐसे लोगों के पिताजी के साथ भी मतभेद रहे या पिताजी का सुख नहीं हो ऐसा भी योग है और आप आप पिताजी हैं आपके पिताजी 2022 में ऑफ हुए सर मतभेद रहता था हमेशा मतभेद रहता था ना हमेशा तो ऐसे लोगों के पिताजी हाँ। के मतभेद भी रह सकते हैं और आप अपनी गलती नहीं मानते हो सर तो मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको जस्टिफाई करने में लग रहते हो और ऐसे लोगों इमोशनल है। नहीं होते, इमोशनल भी होते हैं, इमोशनल नहीं नहीं होते 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 भी हैं अपनी गलती नहीं मानते और ऐसे लोगों के पास एग्रीकल्चर फार्म की एग्रीकल्चर लैंड की भी कमी रहती है और पैसों को भी कहीं ना कहीं तंगी रहती है बहुत तंगी है सर पैसों की मैनेजमेंट की हाँ जी और एग्रीकल्चर बार बार एग्रीकल्चर जमीन भी नहीं है सर एग्रीकल्चर जमीन नहीं है ना तो ऐसे लोगों को नहीं, नहीं। रोड भूखंड होने के भी कम योग रहते हैं एग्रीकल्चर प्लाट भी नहीं हो ऐसा भी योग रहते हैं ऐसे लोगों के बारे में चलिए एक ना एक डेरों पर लीजिए जिनकी डेरों पर अठाईस है आइए अठाईस है शिव श्रेष्ठ पर्व श्रेष्ठ इनको अनुमत कीजिए यहाँ जिनकी डेट ओ पर ये तो दो 28, दो दो हजार छह ये लिखिए अट्ठाईस सात उन्नीस सौ तेहत्तर ये लीजिए अट्ठाईस सात उन्नीस सौ तेतर जिनकी डेट ओ पर था ये लीजिए ये ले ली अट्ठाईस उन्नीस सौ बयासी वन प्लस क्या ये अट्ठाइस वाला कोई भी एक लीजिए प्रीति से प्रीति शेख शेठ प्रीति प्रीतिशाई हाँ हाँ यही आइए मैं प्रीति जी आप बोलिए प्लीज सामने आइए एक इनके बाद पायल गुप्ता जी को लेके बार बार मुझे सामने दिख रही है पायल गुप्ता जी आप प्लीज ढंग से बैठी आप क्या सेशन ले रही हैं क्या आप आराम से करिए प्रीति शाह जी आइए पायल जी इसके बाद आपका नंबर लेंगे आप, आप दिख रही है मेरे को बार बार कैमरे में इसके बाद एक बच्ची और है रीचा इसको लेंगे ठीक है चलिए प्रीतिशाह जी आइए हाँ जी प्रीति जी आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना 28 नहीं, नहीं है सर मेरी कितनी है आपकी 28 नहीं है क्या है मेरी 23 मार्च है हां जी 23 मार्च 23 मार्च 1970 हां 23 मार्च चलिए 23 मार्च का कर लेते हैं मैडम 1970 है 23 मार्च का कर लेते हैं ऐसे लोगों के बचपना कभी नहीं जाता है आप कितने भी बड़े हो जाना बचपन आपका कभी नहीं जाएगा और पैसों को लेके जो डिसीजन होते हैं ना वो भी आपके बचपने वाले होते हैं चाइल्ड हुड नेचर आपका हमेशा रहेगा और पैसों को लेके आपका जो नेचर रहेगा वह पैसा लेकिन आपके पास पैसा हमेशा रहेगा तो चंद्रमा गुरु का योग है प्रीतिशाह ये आपकी डेटों पर तो अच्छी डेटों पर था इनकी लीजिए पच्चीस वालों के लीजिए ये, ये तो अच्छी डेटो पर है इनके बारे में ज्यादा क्या बताएंगे

3, 8 और तो दस छह और तीन नौ एक दस दस नौ उन्नीस उन्नीस सत्ताइस सत्ताईस दो उनतीस ग्यारह दो मैं बात करता हूँ हाँ मेरे को जानती है आ, नहीं सर मतलब तो थोड़ा बहुत आपके मैंने वो देखे हैं एक दो YouTube पे देखे हैं मैंने आपके वीडियोस मैं आपको बात बताता हूँ पायल जी आप बाहर तो कितना मर्जी काम कर लेंगी लेकिन घर पे जैसे ही आएंगी

और वैसे भी आपकी कुंडली में इस बात का योग है कि आपको स्किन का प्रॉब्लम लड़कियों वाली प्रॉब्लम पीरियड्स ऊपर नीचे आना ऐसा भी हो ऐसा भी आपकी कुंडली में योग है अभी भी योग ओके okay, सर ठीक है ऐसा आपकी कुंडली में हो सकता है मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपकी कुंडली में होगा ही होगा और आपकी कुंडली में छह तीन है ऐसे लोग लग्जरी लाइफ को पसंद करते हैं और लग्जरी लेने के लिए कैसे भी करें ऐसा भी योग है लेकिन आपकी कुंडली में रिलेशनशिप इशू भी हो सकते हैं और आप चीजें रख के भी भूल जाए ऐसा भी हो सकता है

ठीक है मैडम आपकी डेटो पर तो अच्छी डेट सालों को लीजिए गुरिंदर सिंह जी क्या नाम है इनका गुरविंदर सिंह जी गुरविंदर सिंह जी, जी आपकी डेटो पर देखिए मैं आपको बता देता हूं आपकी इनकम का मैक्सिमम हिस्सा किराए में ईएमआई में ब्याज में यहाँ चला जाएगा बुलाइए गुरिंदर सिंह जी बोलिए हेलो सिंह जी आपके पास पैसा आपके में टिकेगा नहीं और आपकी इनकम का मैक्सिमम हिस्सा किराए में इनकम ब्याज में चला जाएगा हाँ सर यानी जो पैसे आते हैं टिकते नहीं है रोलिंग ही है बस रोलिंग ही है और आपकी ये देखिए मैंने क्या बोला है कि आपका मूड भी बहुत जल्दी सीम होते हैं और ऐसा भी योग और ऐसा भी योग है कि आपकी मदर की भी तबीयत खराब रहे ऐसा भी योग है या मदर के साथ में आपके ओपिनियन रहे ऐसा भी योग है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है सर हाँ और आपको वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है आपको लगता है कि जो काम मैंने क्या दिया वो तुरंत हो जाना चाहिए ये हाँ जी वही एंगर इशू है एंगर इशू है।, है और आपकी कुंडली में शनि और मंगल की युति बन रही है ऐसे लोगों की लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज्यादा रहता है और बार बार एक्सीडेंट होना बार बार चोट लगना ऐसा भी आपकी कुंडली में योग हो जाता है जी मेरी कंस्ट्रक्शन लाइन है कुछ ना कुछ साइड पे हो जाता है हाँ, कभी कभी तो ऐसा आपकी कुंडली में योग है चलिए अब मैं आपको एक बार ये सब लोगों न, कौन पर देखिए चलिए मैं आपको न्यूमोलॉजी के बारे में अब आगे और भी बताने की कोशिश करता हूँ कि न्यूमोलॉजी के बारे में क्या बताता हूँ आगे नोट कीजिए आपने पहले न्यूमोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी सीखी है या वास्तु सीखा है है कि म्यूट गुरेंद्र जी आपने पहले अनम्यूट कीजिए अपने जी जी सर आपने पहले न्यूमोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी सीखी हुई है नहीं सर मैं आपकी वीडियोस ही देखता हूँ चलिए ठीक है आज जो मैं आपको न्यूमोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ ये आपने पहले हो सकता है नहीं सुना हो तो ये भारत का न्यूम्रोस्कोप है और आप जो कंस्ट्रक्शन का लाइन का काम करते हैं तो आपको भी यदि आप अपनी लाइन एनर्जी को मेंटेन कर लेते हैं या वास्तु के अकॉर्डिंग आप बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग बिकने के भी बहुत अच्छे योग हैं चलिए मैं आप आपको बात बताने की कोशिश करता हूँ मैंने डेट ऑफ बर्थ लिया है न्यूमोलॉजी में आप एक डेट ऑफ बर्थ नोट कीजिए पंद्रह अगस्त नाइनटीन आप इसमें देखेंगे इनको म्यूट कर दीजिए आप इनको देखेंगे कि इस डेट ऑफ बर्थ में पंद्रह अगस्त उन्नीस नहीं है पंद्रह अगस्त उन्नीस में कि चार नंबर मिसिंग हो गई कितने नंबर मिसिंग हो गए सात तीन चार दो आपको अभी तक यह बताया जाता है में कि राजयोग दो पांच, पांच आठ होता है मैं ये कहता हूं कि सबसे ज्यादा राजयोग ये है कि जिसके पास जितने ज्यादा मेल नंबर होते हैं वह आदमी आगे बढ़ता है अब मेल नंबर कौन कौन से हैं एक से लेकर नौ नो नंबर नोट कर लीजिए पेपर पे, पे। नोट कीजिए एक से लेकर नौ नंबर पेपर पे एक से लेके नौ नो नंबर नोट कीजिए इसमें से मेल नंबर है एक तीन पांच सात नौ मेल नंबर कौन कौन से हैं एक तीन पांच सात नौ और फीमेल नंबर कौन से हैं दो चार छह आठ तो जिसके पास जितने ज्यादा मेल नंबर होंगे वह जातक उतना ही ज्यादा सक्सेस होगा फॉर्मूला नोट कर लीजिए जिसके पास जितने ज्यादा मेल नंबर होंगे वह जातक उतना ही ज्यादा सक्सेस होगा और जिसके पास जितने ज्यादा फीमेल नंबर्स होंगे उसकी लाइफ में उतनी ज्यादा उसको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा ये चैट बंद कर दीजिए बंद कर दीजिए तो आप अपनी कुंडली को उसको एनालिसिस कीजिए आप चेक कीजिए कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ में जितने ज्यादा मेल नंबर होंगे वह उतना तो ज्यादा सक्सेस होगा और जिसकी कुंडली में जितने कम मेल नंबर होंगे उसकी लाइफ में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम आएंगी और यदि मेल नंबर होने के बावजूद भी वह सक्सेस नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसने अपने ग्रहों को अपने प्लेनेट्स को खराब कर रखा है या वह वह राइट प्रोफेशन नहीं कर रहा जो वह उसको करना चाहिए यदि उसको एस्ट्रोलॉजी की मदद से ये बता दिया जाए कि आपको कौन सा काम करना है वह बंदा दुनिया के सक्सेसफुल बंदों की लिस्ट में आ सकता है चलिए आगे चलते मैंने बोला कि ये मिसिंग नंबर है अब इसमें देखिए कि दो एलिमेंट इस जातक के पास में नहीं है आ, कौन कौन से यहाँ पे देखिएगा आप तीन और चार नंबर नहीं है और यहाँ पे दो और सात नंबर नहीं है तो मतलब कि तीन और चार का मतलब एयर एलिमेंट इसके पास में जातक के पास नहीं है जब भी किसी के पास एयर एलिमेंट नहीं होता तो जातक को किसी की डेट ऑफ बर्थ में तीन और चार नंबर नहीं है तो अपना हैंड रेस कीजिए तो ऐसे जातकों को लोगों से मदद मांगने में दिक्कत आती है ऐसे आदमी को पता होता है कि सामने वाला मेरी मदद कर देगा लेकिन ऐसा होते हुए भी वह सामने से मदद नहीं ले पाता है जिसकी डेट ऑफ बर्थ में तीन और चार नंबर नहीं होते हैं जिसकी डेट ऑफ बर्थ में एक नंबर नहीं होता है उसकी डेट ऑफ बर्थ में वाइटामिन डी या कैल्शियम की कमी होती है और जिसकी डेट ऑफ बर्थ में छ और सात नंबर नहीं होता उसकी डेट ऑफ बर्थ में आयरन की कमी होती है जिसकी डेट ऑफ बर्थ में छ और सात नंबर नहीं होता उसकी बॉडी में आयरन की कमी होती है आप चेक कीजिए और जिसकी डेट ऑफ बर्थ में नौ नंबर नहीं है उसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होगी और जिसकी डेट ऑफ बर्थ में एक नंबर नहीं है उसकी बॉडी में वाइटामिन डी और कैल्शियम की कमी होगी मैसे यस करो टिक करो बताइए मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ और क्या अभी तक आपको इतना कुछ एस्ट्रोलॉजी न्यूमोलॉजी में पहले बताया गया है चेक कीजिए जिसकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है वो चेक कीजिए रीचा जी बोल रही है कि रॉन्ग बताइए आपकी आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है और आपके कौन सा नंबर नहीं है कौन सा एलिमेंट नहीं है यहां पर सिर्फ ये बताइए कि कैसे आ रही कैसे चीजें आ रही हैं जिसकी डेट ऑफ बर्थ में छ और सात नंबर नहीं है ऐसे लोगों की डेट ऑफ बर्थ में आयरन की कमी होगी और छ और सात नंबर नहीं है ऐसे लोगों को अपने ही घर वालों से मदद मांगने में दिक्कत आती है और जिसकी डेट ऑफ बर्थ में तीन चार नंबर नहीं है ऐसे लोगों को लोगों से मदद मांगने में दिक्कत आती है आप इसको चेक कर लेना अपने अपने डेट ऑफ बर्थ को चेक कर लेना और आपको पूरे सेशन की आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी हम बात करते हैं आप नोट कीजिए रेमेडी नोट कर लीजिए यदि किसी की डेट ऑफ बर्थ में एक नंबर मिसिंग है तो उसको अपने घर में फाउंटेन लगाना चाहिए देखिए यदि किसी की डेट ऑफ बर्थ में एक नंबर मिसिंग है आपको मैं रेमेडी भी बता रहा हूँ उसको अपने घर के नॉर्थ में फाउंटेन या वॉटरफॉल लगाना चाहिए और किसी की कि डेट ऑफ बर्थ में दो नंबर मिसिंग है तो उसको नॉर्थ वेस्ट में माउंटेन या वो लगाना चाहिए मेल और फीमेल नंबर एक तीन पाँच सात नौ मेल नंबर है दो चार छः आठ फीमेल नंबर है और किसी की डेट ऑफ बर्थ में तीन नंबर मिसिंग है तो अपने उसको अपने घर के ईस्ट साइड में ग्रीन सीनरी लगानी चाहिए और किसी की डेट ऑफ बर्थ में चार नंबर नहीं है तो उसको साउथ ईस्ट में फायर लगानी चाहिए वर्चुअल फायर लगानी चाहिए पाँच नंबर नहीं है तो उसको अपने घर के सेंटर में जूमर लगाना चाहिए स्क्वेयर और किसी की डेट ऑफ बर्थ में छः नंबर नहीं है तो उसको नॉर्थ वेस्ट में ग्लोब रखना चाहिए और किसी की डेट ऑफ बर्थ में सात नंबर नहीं है तो उसको घर के अपने घर के पश्चिम में एक राउंड क्लॉक लगानी चाहिए और किसी की डेट ऑफ बर्थ में आठ नंबर नहीं है तो नॉर्थ ईस्ट में वाटरफॉल लगाना चाहिए और नौ नंबर नहीं है तो उसको अपने घर के साउथ में रेड हॉर्सेस या फिर लायन टाइगर की पिक्चर लगानी चाहिए ये सब आपने नोट कर लिया मैसेज ऑफ ही करने पड़ेंगे पांच सौ चालीस मैसेज आके देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ दोबारा नोट कर लीजिए यदि किसी की डेट ऑफ बर्थ में एक नंबर मिसिंग है तो उनको अपने घर के नॉर्थ में फाउंटेन लगाना चाहिए और किसी की डेट ऑफ बर्थ दो मिसिंग है तो उनको माउंटेन लगाना चाहिए माउंटेन मतलब पहाड़ और पहाड़ों में ना तो पानी होना चाहिए ना हरा रंग होना चाहिए साउथ वेस्ट में माउंटेन लगाना चाहिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ यदि किसी की डेट ऑफ बर्थ में एक नंबर नहीं, नहीं है तो उन्हें फाउंटेन लगाना चाहिए नॉर्थ में यदि किसी की डेट ऑफ बर्थ में दो नंबर नहीं है तो उन्हें माउंटेन की पिक्चर मतलब पहाड़ों की पिक्चर लगानी चाहिए और किसी के डेट ऑफ बर्थ में तीन नंबर नहीं है तो उन्हें ग्रीन सीनरी लगानी चाहिए ईस्ट में और किसी के डेट ऑफ बर्थ में चार नंबर नहीं है तो उन्हें वर्चुअल फायर लगानी चाहिए साउथ ईस्ट में और किसी के डेट ऑफ बर्थ में पाँच नंबर नहीं है तो येलो लाइट वाला स्क्वेयर झूमर लगाना चाहिए करके सेंटर में और छः नंबर नहीं है तो ऐसे लोगों ग्लोब या फिर तो फेद भागते घोड़े लगाने चाहिए और किसी की सात नहीं है तो ऐसे लोगों को वेस्ट में राउंड क्लोक लगानी चाहिए आठ नंबर नहीं है तो नॉर्थ ईस्ट में वाटरफॉल लगाना चाहिए और नौ नंबर नहीं है तो साउथ में लाल कलर के भागते हुए घोड़े लगाने चाहिए चलिए आगे चलते हैं मिसिंग नंबर मेडिस अकॉर्डिंग टू वास्तु ये मैंने अभी आपको बता दी ऐसी इस प्रकार की और मेडिस क्या हो सकती हैं ये आपको मैं आगे चल के जो मैं आप कोर्स सीखेंगे उसमें बताएंगे अब मैं बात करूंगा एस्ट्रोवास्तु के बारे में आप देख लीजिए कि हमारे एस्ट्रोवास्तु में कितनी राशियां होती हैं बारह राशियां लिख लीजिए कि एक नंबर राशि को कौन सी एक नंबर जो राशि है जो मेष राशि है इसको हम ईस्ट डायरेक्शन से देखते हैं नोट कर लीजिए और दो नंबर राशि को नॉर्थ वेस्ट से देखते हैं तीन नंबर राशि को नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से देखते हैं चार नंबर राशि को नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट से देखते हैं पांच नंबर राशि को ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से देखते हैं छह नंबर को नॉर्थ से देखते हैं सात को वेस्ट साउथ वेस्ट से देखते हैं और साउथ वेस्ट से भी देखते हैं और ऐसे ही आठ नंबर राशि को साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट से देखते हैं दस नंबर राशि को साउथ कहते है हैं ग्यारह को वेस्ट और बारह को साउथ ईस्ट और साउथ साउथ ईस्ट और ई ईस्ट और साउथ ईस्ट ऐसे ही दो नंबर राशि को नॉर्थ वेस्ट और डब्ल्यू एनडब्ल्यू वेस्ट नॉर्थ वेस्ट से देखते हैं सभी को समझ में आ गया नहीं एक बार अनब्लॉक कर दो मैसेज बंद करो हाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि एस्ट्रो वास्तु आपको, आपकी कुंडली में लायक आपको ये बातें पता लगती हैं यदि किसी के लगन में बुद्ध बैठा हो किसी के लगन में एक नंबर हाउस में बुद्ध बैठा हो तो आपको उसको जाते ही बोल देना कि तेरे घर के ईस्ट में गोल घड़ी लगी होगी और वो चेक भी कर लेना और ऐसा भी योग है कि उसके घर के ईस्ट में सीढ़ियां हो या फिर अखबारों की रद्दी पड़ी हो ऐसा भी योग है अब आपको मैं एस्ट्रो वास्तु कैसे काम करता है देखिए यदि किसी के मंगल किसी भी राशि में बैठा होगा तो आपको जाके ये बोल देना है कि आपकी उस जोन में जैसे मान लीजिए कि मंगल आपके चौथे घर में बैठा हुआ है या फिर चार नंबर की राशि में बैठा हुआ है तो आपको क्या बोल देना है कि आपके घर के नॉर्थ में किचन हो सकता है या नॉर्थ ईस्ट में किचन हो सकता है या फिर नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में जनरेटर सेट पड़ा होगा इन्वर्टर पड़ा होगा या वहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति होगी या फिर वहाँ पे लाल रंग होगा जैसे ही आप उसे घर में वो अपने घर में चेक करेगा तो आपको बोलेगा बिल्कुल सही कह रहे हो आप ऐसा हमारे घर में पड़ा हुआ है चलिए मेरी बातें समझ में आ रही है तो मुझे बताइए जिनको नहीं समझ में आ रही है तो चिंता मत कीजिए मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखाने वाला हूँ मैसेज अनुब्लो कर दीजिए मैसेज मैसेज आने दीजिए प्लीज आप एक बार मैसेज आप मैसेज आप लिख सकते हैं तो इस प्रकार से यदि किसी के नॉर्थ ईस्ट में जैसे नौ नंबर राशि में मान लो राहु बैठा हुआ है तो आपको जाति कहना है बोल देना कि तेरे आपके करके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो सकता है या नॉर्थ ईस्ट में आपके नॉर्थ ईस्ट में आपका कटिंग होगा या पे स्टोर होगा या वहां पे गंदगी पड़ी होगी आप जाके जैसे बोल देना और आप अपनी अपनी कुंडली में चेक कीजिए यदि किसी के नौ नंबर में राहु है नौ नंबर राशि में वो नौ नंबर राशि कहीं पे भी है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता ये कह रहे हैं कि समय तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा कर रहा है एक आदमी कह रहा है कि नहीं मैच कर रहा कोई बात नहीं भैया आप अच्छे से चेक कर लेना आपको मैच करेगा कोई बात नहीं कैसे पता करें ये आपको चेक करना पड़ेगा कैसे पता करें आपको इतनी जल्दी तो एक मिनट में तो पता लग ही नहीं सकता कि मैं जो बोल रहा हूँ मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ और किसी के बारह नंबर हाउस में चेक कीजिए कि बारह नंबर हाउस में बारह नंबर हाउस ये वाला होता है यहाँ पे बुद्ध बैठा हो तो उनको बोल देना कि आपके घर के छत के ऊपर कबाड़ पड़ा होगा आपके घर में कांच जल्दी टूटता होगा मोबाइल जल्दी क्रैक होता होगा आपके घर में टूटा हुआ छाता होगा टूटा हुई घड़ी होगी टूटा हुआ पेन पड़े होंगे रद्दी पड़ी होगी टूटा हुआ घड़ी टूटा हुआ क्या बोलते हैं मटका पड़ा होगा और आपके घर में गमले भी ज्यादा टूटते होंगे ये एक्स्ट्रो वास्तु है आप कैसे ही सामने वाले की डेटों पर देख के सामने वाले को बता सकते हो कि आपके घर में चीजें पड़ी होंगी और यदि किसी का राहु आठवें घर में हो या फिर वृश्चिक राशि में हो जिसके लगन में शनि हो तो आप देख लेना कि आपके घर के पास में हॉस्पिटल हो सकता है आपके घर के पास में दांतों का डॉक्टर हो सकता है आपके घर के पास में रेलवे स्टेशन हो सकता है आपके घर के पास में हाईवे हो सकता है बताइए मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत तो बोल रहा हूँ और ऐसे लोग जिसके घर के में शनि लगन में होता है जब भी घर में फंक्शन करते हैं तो कोई ना कोई समस्या आती है जिसने बोला शनि लगना डेंटिस्ट भी है और हाईवे भी है देखिए ऐसे आप सभी को बता सकते हैं कि आपके घर में क्या क्या चीजें होंगी आपके घर के पास में क्या क्या होगा किसी के चौथे घर में राहु है यदि किसी के चौथे घर में राहु होगा तो आप देख के बता देना तेरे घर के पास में गंदा नाला होगा आपके घर के पास में छोटी मोटी बस्ती होगी और यदि किसी के घर के चौथे घर में केतु हो तो आप बता देना कि आपके घर के आसपास में कोई अपंग आदमी रहता होगा या तेरे घर के पास में किसी ने डॉग कुत्ता पाल रखा होगा और ऐसा भी हो सकता है कि किसी के घर के चौथे घर में राहु हो उसके घर के पास में कोई मेंटली रिटार्टेड आदमी रहता हो जिसके राहु नाइन्थ हाउस में है उनके घर का नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने के योग है या उनके मैक्सिमम टॉयलेट गलत जगह पे होंगे इनके टॉयलेट के गेट खुले रहते होंगे टॉयलेट की सीट जल्दी खराब होती होगी टॉयलेट सीट में लीकेज हो जाती होगी और ऐसा भी योग है बताइए मैं यस बोल रहा हूँ आसिफ जी कह रहे हैं बिल्कुल सही है एस्ट्रोलॉजी तो ये ये है इसको लॉजिक से आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप इसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं जुपिटर जिसका भी चौथे घर में है इसने बोला कि जुपिटर जिसके भी चौथे घर में उसका घर ऐसे घर में पूरा योग है कि उसका घर खुला हवादार हो उसके घर के डोर के पास में कोई विंडो लगी हो ऐसा भी योग है जिसका भी चौथे घर में राहु गुरु है वो देखिए जिसके घर के एथ हाउस में राहु है उनके घर में ब्लैक मैजिक होने के बहुत ज्यादा योग रहते हैं उनको लोग लो उनके ऊपर नजर टिका के रखते हैं और ऐसा भी योग है कि उनके घर के मैक्सिमम टॉयलेट गलत जोन में बने हों इसने बोला कि सेवन्थ हाउस में शनि और केतु है हाउस में शनि और केतु है तो इसका मतलब आप आप लोगों के जो रिलेशन हैं लोगों के साथ में बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं और आपके घर के वेस्ट साउथ वेस्ट में कैंची चाकू ये सब आपको पड़ी मिल जाएंगी और वहां पे आपको लोहे की चीजें भी पड़ी मिल जाएंगी जूते पड़े मिल जाएंगे वहां पे यदि कोई एल्कोहल पीता है तो वहां पे बाहर हो सकता है और किसी ने बोला था कि ईस्ट में शनि होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि उसके घर के ईस्ट में लगन में शनि हो उसके घर के ईस्ट में जूते पड़े हो बार हो ऐसा भी हो सकता है या काला रंग किया हो ऐसा भी हो सकता है चलिए आगे चलते हैं आप बताइए इस प्रकार से क्या आपको किसी ने पहले बताया क्या बताइए मेरे को इतना कुछ आपको एस्ट्रो वास्तु के बारे में किसी ने बताया क्या इसको एस्ट्रो वास्तु कहते हैं और जैसे ही मान लीजिए कि पहले घर में शनि नीच का होता है और शनि की राशि चल जाए तो आप ध्यान रखना भाई कितना ही कुछ कर लेना आपके दिन खराब आने शुरू हो रहे हैं इसका मतलब यह होता है लगन में राहु जिसके भी लगन में राहु हो वो उसको लगता है कि दुनिया मेरे बस में है और दुनिया मेरे अकॉर्डिंग चलती है लगन में राहु होगा तो उनके भी घर के ईस्ट में वास्तु दोष होगा घर के में टॉयलेट भी हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि वो सपने में बड़े बड़े देखे चलिए आप कमेंट ऑफ कीजिए अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वास्तु और डिटेल में कैसे आता है कि नौ प्लेनेट होते हैं और पैंतालीस देवी देवता होते हैं हर देवी देवता के पास कुछ ना कुछ देवता होते हैं आप इसको समझने की कोशिश कीजिए हर देवी देवता के पास कुछ ना कुछ देवी देवता होते हैं ग्रह के पास जैसे मान लीजिए किसी की सूर्य की दशा चल रही है सूर्य की महान दशा चल रही है तो इसका मतलब उसके सत्य देवता सूर्य देवता विदाता सोम आदित्य और इंद्र देवता अब एक्टिवेट हो जाएंगे हम मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं जैसे मान लीजिए कि किसी की सूर्य की महादशा चल रही है और सूर्य की दशा चल रही है अंतशा चल रही है तो इसका मतलब है कि सूर्य के जो देवता है सत्य सूर्य विदाता सोम आदित्य और इंद्र देवता आपके एक्टिवेट हो जाएंगे और यदि यह देवता आपके घर से ही बाहर हो गए हैं तो आपका सूर्य कितना ही बढ़िया हो आपको परेशानियां आ सकती हैं और यदि आपने सूर्य की महादशा में इन देवताओं को एक दो तीन चार पांच छह देवताओं को रेमेडी नहीं की तो वो तो अच्छा चार्ट होने के बावजूद भी आपको सफलता ना मिले ऐसा हो सकता है जिन्होंने भी वास्तु का कोर्स किया हुआ है क्या आपको ये बताया गया कि सूर्य के अंदर ये देवता आते हैं चलिए आप देख लेना खुद देख लेना कि मैं क्या बनाना चाह रहा हूं ऐसे ही हर जोन के हर देवता का एक जोन होता है जैसे ईस्ट में सूर्य देवता का जो जोन है वह ईस्ट जोन है और इस जोन का जो कार्य है वह सोशल एसोसिएशन का कार्य है और यदि आपके सूर्य और महेंद्र देवता आपके घर से बाहर आ गए तो आपका सोशल नेटवर्क ही नहीं बनेगा ऐसे लोगों में लोगों से रिलेशन ज्यादा अच्छे नहीं होंगे आपको नेम एंड फेम के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा और यदि किसी के जो जैसे मैंने पहले दिखाया था कि बल्लाड़ देवता बाहर हो गए ऐसे देवता लोगों के पास पैसा ही नहीं जुड़ेगा पैसा टिकेगा ही नहीं नई अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी लोग जॉब नौकरियां तलाशते रहेंगे नौकरी मिलेगी नहीं आप काम तलाशते रहेंगे काम आएंगे नहीं आप शोरूम खोल लेंगे उसमें ग्राहक नहीं आएंगे यदि आपका बल्ला यदि आपकी अः बुद्ध की दशा चल रही है और उसमें बल्लाड़ देवता आपके घर से बाहर हो गए तो उस दौरान में आपको ये सब दिशाएं आपको ये सब चीजें देखने को मिल सकती हैं ये इसके आपको जो भी उपाय होते हैं वो वास्तु से भी करने पड़ेंगे एश्योलॉजी से भी करने पड़ेंगे और न्यूमोलॉजी से भी करने पड़ेंगे ये तीनों विजय से जब तक आप सामने वाले का उपचार नहीं करेंगे तो सामने वाले का ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा चलिए आगे बात करते हैं ऐसे ही मैंने बताया था कि पहले हाउस राशियां मैंने सबको को लिखवा दी है कि एक नंबर हाउस को ईस्ट जोन से देखते हैं दो नंबर को वेस्ट नॉर्थ वेस्ट से देखते हैं तीन नंबर को नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट से देखते हैं चलिए अब मैं बात करता हूँ कि मेष राशि में शनि ग्रह नीच का होता है एक ने बोला था ना कि मेरे लगन में शनि बैठा हुआ है लगन में शनि नीच का होता है और सातवें घर में सूर्य नीच का होता है कर्क राशि में मंगल नीच का होता है और दसवें घर में गुरु नीच का होता है तुला राशि में सूर्य नीच का होता है और शनि उच्च का होता है इसी प्रकार से वृश्चिक राशि में मून नीच का होता है और वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है आप जिसका भी वृश्चिक वृश्चिक राशि में चंद्रमा है आप देखिए कि आठवें घर में चंद्रमा हो या वृश्चिक राशि में चंद्रमा हो तो उनके उसको खांसी जुकाम जल्दी होगा उसकी मदर की तबीयत खराब रहती होगी उसकी मदर के ऑपरेशन बार बार हो जाते होंगे उसके पास पैसा कितना भी आ जाए फिर भी पैसा से टाइट रहेगा पैसा एकदम से आने की भी योग है और पैसा एकदम से जाने की भी योग है जिसकी कुंडली में वृश्चिक चंद्रमा आठवें घर में हो या वृश्चिक राशि में हो तो उसके बारे में एक बहुत बड़ी आपको बता देता यदि वह सौ करोड़ का मालिक है उसको दस करोड़ की पेमेंट करनी है तो नौ करोड़ तो उसके पास होंगे लेकिन एक करोड़ पेमेंट करने में उसकी जान निकल जाएगी आमेरी बात को समझ रहे हैं वृश्चिक राशि में जिसका चंद्रमा हो या आठवें घर में जिसका चंद्रमा हो तो आप देख लेना यदि वह सौ करोड़ का मालिक है उसको दस करोड़ की पेमेंट करनी है तो नौ करोड़ उसके तो अकाउंट में होंगे पे, पे और पेमेंट करनी है तो नौ सौ करोड़ उसके अकाउंट में होंगे सौ करोड़ को इकट्ठा करने में उसके घर में पानी की लीकेज ज्यादा होगी टैप बार बार लीक करेंगी पानी बेहता मिलेगा उसके घर में सीलन होगी ये सब आप कुंडली में उसको देखे जब तक आप उसका उपचार नहीं करेंगे आपको लोग तो दुनिया जानक कर देंगे लेकिन उपचार और मेडिस मैंने देखा मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा मैंने अभी तक कम से कम भी एक हजार से ज्यादा को अपनी कुंडली दिखाई तो मैंने देखा कि परीक्षण तो दुनिया को आती है लेकिन उसको तो उपाय दुनिया के पास में नहीं है तो जो ये मेरा एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ तो मैं शेयर करने जा रहा हूँ चलिए आगे चलते हैं चलिए तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया तो आपको कितना

हमें भी, आगे भी आगे कुछ कब उन्नीस सौ उन्यासी देखिए अभी तक आप लोग इतना बोलने में मुझे पहले टू वन और फाइव एक मिनट रुकी अभी देखिए आप अपना अपना मत पूछिए पहले जो आपको मैंने समझाने की कोशिश की है आप उसको समझने की कोशिश कीजिए कि की मैंने आज आपको वास्तु के राहुल तो तो एक एक, एक करके कर बात कीजिए सभी को मैंने एक बार म्यूट कर दिया है तो मैंने आपको तो इतना बताने की कोशिश की है जो आप अपने इंडिविजुअल कुंडली को मत देखिए आप यहाँ पे ना एस्ट्रोलॉजी वास्तु और न्यूमोलॉजी को सीखने आए हैं आप यहाँ पे अपनी पर्सनल कुंडली को एनालिसिस मत कीजिए इसको अब तब एनालिस कीजिएगा जब आप इसको एच्रोलॉजी को वास्तु को सीख लीजिए तो मैंने आज आपको ये बताने की कोशिश की है कि आपकी कुंडली में इस प्रकार के योग हों जिसका भी मंगल छठे घर में हो या मंगल कन्या राशि में हो उसका लोन चढ़ जाता है उसको लोन उतारने के लिए भी पैसा लोन कर्जा लेना पड़ता है जिसका भी मंगल आठवें घर में हो मंगल बारहवें घर में हो मंगल चौथे घर में हो ऐसे व्यक्ति को कर्जा बहुत जल्दी चढ़ता है और ऐसा आदमी लोन भी लेने जाए उसको लोन भी जल्दी मिल जाता है क्योंकि मंगल चाहता है कि इसके ऊपर कर्जा हो मंगल छह नंबर राशि में हो या मंगल कन्या राशि में छठे घर में हो और वही मंगल के साथ में राहु या गुरु बैठ जाए छठी नंबर राशि में तो कर्जा ऐसे फैल जाता है कि मान लो लिया तो एक करोड़ था वो पांच करोड़ बन जाता है पता नहीं लगता, लगता है दोस्तों ये आपकी कुंडली में योग है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं तो जितना भी मैंने कमेंट ऑन कर दीजिए तो जितना भी मैंने आज तक आपको बताया है क्या इतना आपने आज तक पहले कभी सुना है एस्ट्रोलॉजी के बारे में वास्तु के बारे में न्यूमोलॉजी के बारे में अभी ये बोल रहे हैं कि लाख प्रयास करने के बाद भी कर्जा हमेशा जितने भी कोर केसेस हैं जितने भी विवाद हैं वह सभी मंगल ग्रह से देखा जाता है यदि मंगल के साथ में शनि हो मंगल के साथ में राहु और मंगल के साथ में केतु हो तभी आपके ऊपर कर्जा चढ़ेगा तो कर्जा आपको बचा नहीं सकता के किसी विवाद आपके ऊपर हो ही नहीं सकते या फिर इन ग्रहों की दृष्टि होती है तभी भी होती है आप अभी चेक कर लीजिए जिसका भी कर्जा है उसका मंगल या तो छठे घर में होगा या मंगल छह नंबर राशि में होगा या मंगल राहु के तू या शनि के साथ में होगा और जिसका कर्जा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है तो उसके मंगल राहु के साथ में होगा या मंगल गुरु के साथ में होगा तो दोस्तों मैं आज आपको ये बताना चाह रहा हूँ इतने लॉजिक से जो मैं आपको एस्ट्रोलॉजी तो की बात बताई है आपको जल्दी से कोई जिसका भी शनि लगन में एक बंदा कह रहा था जिसका शनि लगन में है तो उसकी कमर में या घुटनों में दर्द हो सकता है ऐसा भी हो सकता है जिसका भी राहु बारहवें घर में होता है उसको जल्दी से क्रेडिट नहीं मिलता है ऐसे लोगों से कोई पैसा उधार मांग के ले जाए तो जल्दी से लौटाता नहीं है ऐसे लोगों को अपने ही पैसे मांगने में सामने वाले के सामने गिरना पड़ता है चलिए एक रेमेडी मैं आपको बता देता हूँ मंगल और राहु की रेमेडी लिख लीजिए जिसकी कुंडली में मंगल राहु की युति है ऐसे लोग जातक को अपना कर्ज उतारने के लिए मछलियों को छुआरे खिलाने चाहिए पहले छुहारे रात को भिगो के रखे लगातार चार दिन सिक्सटी डेज तक उसको मछलियों को छुहारे खिलाने छुहारे का मतलब होता है ड्राई डेट्स उसको स्वीपर्स को जो टॉयलेट साफ करते हैं जो क्लीनर होते हैं उनको जलेबी खिलानी चाहिए और ऐसे लोगों को पक्षियों को बूंदी मीठी बूंदी खिलानी चाहिए और ऐसे लोगों को किसी भी आश्रम में जाकर किसी भी आश्रम में जाकर जो भी कोई आश्रम होता है कोड़ियों का आश्रम कहीं भी भी आश्रम में जाकर जलेबी का और कचौरी का प्रसाद बांध के आना चाहिए आपने इस तरीके की रेमेडी पहले सुनी है मुझे बताइए जिसका भी राहु नाइन्थ हाउस में है ऐसे लोगों को मंदिर में झाड़ू दे कर चाहिए मंदिर में जाके साफ सफाई करनी चाहिए जब तक जिसका राहुल हाउस में वो मंदिर में झाड़ू का सामान नहीं देगा मंदिर में टॉयलेट साफ करने का सामान नहीं देगा मंदिर का मतलब धार्मिक स्थान है 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 गुरुद्वारा भी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता सकता कुछ और जिसका चौथे घर में मंगल है, उसको धर्मशाला में सफाई का सामान आना चाहिए तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों आप ये समझो ये एक एस्ट्रोलॉजी है ये लॉजिक से होती है आप लोग राहु जिसका भी फोर्थ हाउस में नोट कर जिसका भी राहु फोर्थ हाउस में है इसको चलते पानी में जो के आटे की गोलियां बना के डालनी चाहिए इनको चार किलो दूध और एक किलो जो को मिक्स करके चलते पानी में डालना चाहिए इनको धर्मशाला के अंदर टॉयलेट साफ करने का सामान देकर चाहिए और ऐसे लोगों को घर से दूर जाकर काम करना चाहिए इनके ऐसे लोगों को अपने जन्म स्थान में सफलता नहीं मिलती और ऐसे लोगों को ये भी योगा जिनका चौथे घर में राहू हो आप परीक्षण कर सकते हो कि आप फ्लैट में रहते हो या आपके घर में बेसमेंट होगा बताइए क्योंकि ऐसे लोगों को मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग में रहने का योग होता है जिनके घर भी राहु का चौथे घर में राहु होगा आप उनको बोल देना यहाँ तो उनका घर होगा तो डबल स्टोरी होगा ऊपर घर के ऊपर भी घर बना होगा या वो फ्लैट में रहते होंगे या फिर उनके घर में बेसमेंट होगा और उनके घर के आसपास में गंदा नाला भी होगा छोटी बस्ती भी हो सकती है और कोई मेंटली बच्चा रहता हो ऐसा भी योग है चलिए आज की जो मैंने आपको जानकारी दी पत्रिका से मार्क्साने का चार्जेस कितना है वो आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये सब आपको एस्ट्रोलॉजी न्यूमोलॉजी और वास्तु का ये मैं कोर्स आपको मैं ये सिखाने जा रहा हूँ इसमें कॉम्बो का कोर्स होगा इसमें पहले मैं न्यूमोलॉजी सिखाऊंगा फिर मैं आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाऊंगा और लास्ट में आपको मैं वास्तु सिखाऊंगा यदि आप एस्ट्रोलॉजी न्यूमोलॉजी और वास्तु की इन इसको गहराई

भैया ऐसे इंडिविजुअल चार्ट नहीं देख रहे हैं हम हम एक आपको बताने जा रहे हैं ये कोर्स क्या है आप ही समझिए आप कंसेप्ट समझने के लिए आए हैं आप अपनी कुंडली दिखाने नहीं है आप इसको समझिए कि कुंडली क्या होती है ये कैसे देखी जाती है कैसे पढ़ी जाती है आज हम उसके बारे में बात करने आए हैं हम मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए यदि आप इंडिविजुअल बात ऐसे सब लोग अपनी अपनी ही कुंडली दिखाने लग जाएंगे मैं तीन लोगों से लोग कैसे बात करूंगा

थैंक यू हाँ जी बोलिए बोलिए सर मैं साथ में सर आप बोल रहे हो जैसे मैं आपकी क्लासेस अटेंड कर रही हूँ साथ में सर मैं अपना वर्क कर रही हूँ जहां आ, मुझे आ, डाउट लग रहा है मैं साथ में अपने सर डिस्कस कर रही हूँ अपने माइंड के साथ ऐसे ऐसे बताया था सर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं डबल ये चीज सीखने को मिली मुझे आज बहुत बढ़िया आपने जो पहले मेरी छह क्लासे पांच क्लासे ली है वो एक्सपीरियंस बताइए कि वो कैसा था क्या आपने इतना कुछ बहुत ही अच्छा सर और मैं एक बात कहना चाहूंगा जो लोग बार बार अपनी कुंडली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना तो पहले जब वो कोर्स पूरा सीख जाएंगे अंदर तय तक तो वो अपनी कुंडली भी कर पाएंगे और साथ में अपने घर वालों की दोस्तों की और औरों की भी कर पाएंगे तो अभी इतनी जल्दी ना करें कि सिर्फ अपना अपना प्रडिक्शन लेने के पीछे तो जो आपका जो आप सारी चीजें बता रहे हो कि वो समझने की कोशिश करें चलिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये थैंक यू देव जी हमने एक कॉम्बो कोर्स लॉन्च किया है जिसमें हम न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के बारे में बताएंगे महीने का कोर्स होगा जिसमें हम आपको एक एक चीज को बारीकी से सिखाने की कोशिश करेंगे नंबर अभी आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं यह कोर्स हमने एक लाख ये नहीं एक लाख एक लाख एक लाख पच्चीस हजार रुपये का कोर्स है और इसमें हम अभी

जो मैंने आपको वास्तु सिखाया ये वास्तु अभी तक इंडिया में कोई भी नहीं सिखा रहा है और जो आपको मैं न्यूमोलॉजी बता रहा हूँ यह भी पहली बार मैंने आपको ये न्यूमरोस्कोप इंडिया का न्यूम्रोस्कोप जो आपको बताता हूँ जो एस्ट्रोलॉजी है जो न्यूमोलॉजी है ये कीरो ने लिखी थी ये भारतीय किसी भी ऋषि के द्वारा नहीं लिखी गई है तो यदि आप भी चाहते हैं यदि आप ये कोर्स को, को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप पांच हजार देकर आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं तो जिसका मैंने ये आपको ये उपाय जो शीट के अंदर बता दिया है और बाकी पेमेंट जो है वो आपको इंस्टॉलमेंट में देनी है आप चाहें ये नंबर भी आपके स्क्रीन में फ्लैश हो रहे हैं आप इन पे व्हाट्सएप पर इनको फ़ोन भी कर सकते हैं इन पर बात भी कर सकते हैं और मैंने लिंक भी आपको बता दी देखिए मैं आपको एक बार बार एक मैसेज आ रहा है कि कर्ज मुक्ति के उपाय बताएं मैं आपको फिर कहता हूँ कि मैं कर्ज मुक्ति के उपाय कभी भी बताता हूँ तो आपकी कुंडली देखे बताता हूँ कर्ज मुक्ति के उपाय यान ऐसे नहीं बताए जाते हैं जो लोग बिना बात किए ऐसे आपको कर्ज मुक्ति के उपाय बताते हैं उनकी डेट वो कभी भी कर्ज से मुक्त नहीं हो पाएंगे क्योंकि तो उसके लिए आपको इंडिविजुअल अपनी कुंडली दिखानी पड़ेगी तब जाके बातें पता लगेंगी आपके घर में क्या वास्तु दोष है और आपको कर्जा आपके ऊपर सिर के ऊपर कैसे चढ़ गया अभी हमने इसके ऊपर बीस परसेंट डिस्काउंट दिया है बीस परसेंट डिस्काउंट से आपको ज्वाइन कर सकते हैं और साथ में जो भी ये बंदा कोर्स ज्वाइन करता है उसको हम करीब बीस हजार रुपये की किट भी देते हैं वो फिर दिखाइए लाके और एक बात और ध्यान रखिए कि जो भी लोग कोर्स को ज्वाइन करते हैं हमने एक एप्लीकेशन बनाई है मेरे पास लॉर्च की करीब सात हजार फोन आते हैं पूरे इंडिया से पूरे वर्ल्ड से और मैं दस से बारह लोगों को इसी बात करना कर पाता हूँ बाकी लोगों से मैं बात नहीं कर पाता हूँ तो मैंने आपके लिए एक ऐसा कंसेप्ट तैयार किया है हम लोग एक ऐसी टीम बनाएंगे कि जो लोग मेरे पास आते हैं उनको कम और मेरे पूरे इंडिया के सबसे ज्यादा चार्जेस हैं पूरे कुंडली कुंडली को एनालिसिस करने के वास्तु एनालिसिस करने के तो इतने कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो हम आपके माध्यम से एक टीम बनाएंगे कि जो आपके शहर के या आपके आस के लोग हैं या हम ऑनलाइन जो भी लोग कंसल्ट करना चाहेंगे तो उनको भी हम आपके साथ में जोड़ेंगे और आप जैसे ही मेरा कोर्स करते हैं तो हम आपको भी एक इनकम का साधन भी देंगे ऐसा नहीं कि ये क्योंकि रोज़ की छः से सात हज़ार कोर्स मेरे पास आती हैं मुझसे कंसल्ट करने के लिए और अभी छः महीने की वेटिंग भी चल रही है आप अभी आप भी चाहें मेरे आप लिंक पर जो आ, कोर्ट टोल फ्री में बात करने करेंगे तो आपको चार से पाँच महीने से पहले आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी तो मैंने इसलिए लोगों को सिखाने का निर्णय लिया मैं ये चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोगों को इसका फ़ायदा मिले और आप लोग मेरे से सीखें और आप लोगों का फ़ायदा करें आप लोगों का भला करें और हम लोग हमने एक एप्लीकेशन तैयार की लाइफ चेंजिंग एस्ट्रो के नाम से वह अगले दस से पंद्रह दिनों में मार्केट में आ जाएगी और जिसमें हम आपको अपने साथ में एसोसिएट करेंगे और जो भी लोग हमारे प्लेटफॉर्म पर हमसे बात करने आएंगे हम आपका रेट एक एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेंसी का रेट आपसे मिलकर तय करेंगे कि आप हज़ार में पंद्रह सौ में पाँच छः हज़ार रुपये में कितने रुपये में आप कंसल्टेंसी देंगे और एक शेयरिंग बेसिस पे हम आपसे हम आपको ही क्लाइंट हम आपको जातक अपने ही प्लेटफॉर्म से देंगे मेरे कहने का मतलब है आप इसको सिर्फ ये मत समझिए कि यह एक कोर्स ले रहे हैं आप एक एक आप कोई चाहे कि मुझे एस्ट्रोलॉजी न्यूमोलॉजी और वास्तु के माध्यम से अपने करियर शुरू करना है तो वह भी कर सकता है और दूसरा आप अपने और अपने परिवार वालों की और अपने दोस्तों की तो आप एस्ट्रोलॉजी न्यूमोलॉजी और वास्तु से तो ये देख ही सकते हैं और मैं आपको एक बात बताता हूँ लोग आपको सिखाते तो हैं लेकिन सिखाने के नाम पे बार बार पैसा लेते रहते हैं तो मैं आपको एक ही कोर्स के अंदर इतना कुछ सिखा दूंगा कि आप सोच सकते हैं कोर्सेज के चार्जेस कितने हैं आप अभी एक नंबर आपको मेरी फ्लैश में हो रहे हैं आप उनसे बात कर सकते हैं कुंडली चेक करने के चार्जेस कितने हैं ये मेरे चार्जेस सत्रह या सात से शुरू होकर एक लाख पाँच हजार रुपए हैं सत्रह या सात में करीब छः महीने की वेटिंग है चार महीने की वेटिंग है एक लाख पाँच हजार रुपये में एक हफ्ते की वेटिंग है साठ हजार रुपये में पंद्रह दिन की वेटिंग है तो आपको देखिए कि आपको आपको कुछ नंबर कुंडली में वो यहाँ पे फ्लैश हो रहे हैं आप में से जो भी लोग कोर्स करने में इंटरेस्टेड हैं तो भी मात्र पांच हजार रुपए देके आप कोर्स को बुक कर सकते अनमूर्त भी कितने लोग हैं जो अभी कोर्स को अटेंड करना चाहते हैं जी कृपया करके यस करके मैसेज में टाइप कर दीजिए पच्चीस में सर अटेंड तो करना चाहता हूं लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं मैं सीख भी सकता हूं या नहीं मेरा सबसे पहला प्रश्न यही था आपसे आपकी आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है सर दस अक्टूबर उन्नीस देखिए आपको मैं एक पहली बात तो ध्यान रखिएगा कि जो लोग ऐसे कहते हैं कि एसोलॉजी कौन सीख सकता है कौन सीख सकता ऐसा कोई योग नहीं होता है ओके एसोलॉजी कोई भी कर सकता है और एसोलॉजी मानवता की भले के लिए बनी हुई है मान लोगों के भलाई के लिए बनी हुई है ये एक सम... और आपको मैं बताता हूँ जो लोग एसोलॉजी का काम करते हैं क्योंकि वह सामने वाले को ये तो बताते हैं आपको गाय को ये खिलाना है पक्षियों को ये खिलाना है जिससे आपके भी दुख कम होते हैं आप मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं हाँ यदि आप एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं तो आपका आठवें भाव जो सबसे पीड़ा का भाव होता है आठवां भाव एस्ट्रोलॉजी का होता है यदि कोई बंदा एस्ट्रोलॉजी करता है तो वह अपने भी दुख को अपने भी कष्टों को कम करता है हेलो सर नमस्ते सर सर आपने कहा था कि कुंडली से बताएंगे कि घर के आसपास क्या है हाँ जी बोलली से बताएंगे कि घर के आसपास क्या है अभी मैंने बताया तो मैं आपका पर पूरे काम बैठा हुआ है हेलो गुरुजी हां जी पूरे फिफ्थ हाउस में हां जी गुरुजी आपने जो बताया था ना 2 5th पूरे फिफ्थ हाउस में कौन सी रासि में है मार्केटिंग एंड लूट थे फारी फारी में एक 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 बार 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 सुनिए सुनिए सभी सभी को साथ आपने आपने हो रहा है देखिए मुझे बताया फंड कंपनी में एक इस बंदे को अनम्यूट करना भैया इसको इसको यहाँ पे डिलीट कर दो लड़का ना खराब करने के लिए आया क्या नाम इसका

क्या बताऊंगा एक, एक 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 तो खिचड़ी बन रही है जैसे अभी किसी ने बोला था आपने सूर्य था मधुर को मैं देखो आपको आपके बारे में बताता हूँ गुरु जी आपने शनि का बताया था लमेरा लगन में ना

सभी सभी दे कर कर दीजिए दीजिए एक बार जिसने भी अभी बताया है है कि सूर्य मेरा पांचवें घर में तो आप उनका जो सूर्य कौन सी राशि में है उनका सूर्य कौन सी राशि में है और कितने डिग्री का है पे डालिए जिसको मैंने बताया मैं आपको बताऊंगा कि आपका जन्म रात का हुआ है और आपका जन्म का समय दस से साढ़े ग्यारह के बीच में हो सकता है ग्यारह बजे के आसपास के यदि आपका सूर्य कितने डिग्री का बताइए मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपका जन्म कौन से महीने में, में हुआ है और किस तारीख को हुआ है अभी जिसने बताया कि सूर्य मेरा फिफ्थ हाउस में है जिसका भी सूर्य फिफ्थ हाउस में सभी चेक कर लो आप यदि किसी का भी सूर्य फिफ्थ हाउस में है तो उसका जन्म रात में हुआ है और रात में भी नौ से एक मिनट रुकी साढ़े पांच साढ़े सात साढ़े नौ साढ़े नौ से साढ़े ग्यारह के बीच में हुआ है बताइए जिसका भी पा, में सूर्य है जिसने बताया मेरे को उसका मुझे राशि बता दीजिए मैं भी बता देता हूँ जिसका भी सूर्य छठे घर में है तो उसका जन्म रात को नौ से ग्यारह के बीच में हुआ है हाँ तो उसको आपने बोला पांचम राशि बता, राशि बताइए बताइए मैं सही बोल रहा हूँ गलत तो बोल रहा हूं आप सूर्य कौन सी रा, राशि के अंदर है जिसका भी सूर्य मकर राशि के अंदर है वह नोट कर लीजिए उनका महीना कौन से महीने में उनका जन्म हुआ होगा नोट कर लीजिए अभी बता रहा सर मेरा मधुर गोयल का है हाँ, आप फिफ्थ तो, हाउस में सूर्य है जिसमें मकर राशि है मकर राशि में यदि आपका सूर्य है तो आपका जन्म रात को हुआ होगा ग्यारह साढ़े ग्यारह मतलब कि साढ़े नौ से साढ़े ग्यारह के बीच में और ऐसा भी योग है कि आपका दिसंबर और जनवरी के महीने में दस ग्यारह बारह एक मिनट कितने डिग्री का सूर्य है सात डिग्री का सात डिग्री का सूर्य है तो सात होगी बताओ है कि नहीं है दो हजार तीन दो हजार तो तो और आपका जन्म रात को कितने बजे हुआ है साढ़े नौ साढ़े ग्यारह के बीच कितने बजे हुआ है दस पच्चीस दस पच्चीस देखो ये एस्ट्रोलॉजी है देखो इतना कोई इतना आपको तो बता सकता है कि मात्र एक सूर्य कहां बैठा हुआ मैंने आपको आपके बारे में सब बता दिया है कि आपका जन्म कौन से महीने में हुआ है कौन सी तारीख को हुआ है और कितने बजे हुआ है बताइए सब लोग आपने कभी इतना कुछ बारे में सुना है आपका सूर्य चंद्रमा कहा बैठा है मुझे बताइए मैं आपको यह तक बता दूंगा कि आपकी उस दिन कौन से महीने की कौन सी तिथि थी, थी आपका केतु कहां बैठा हुआ है बताइए जिसका भी सूर्य नाइंथ हाउस में है उनका जन्म दिन सर, में मेरा चंद्रमा ट्वेल्थ हाउस में बैठा है वहां आ, पे, पे फिफ्थ राशि है वहां पे राशि और केतु में बैठा है तो ऐसा पूरा योग है तो आपका एक दो तीन चार पांच, आपका जो जन्म है वह शुक्ल पक्ष में हुआ हो और आप हाँ जी मेरा मेरा जन्म हुआ है उस दिन गणेश चौथ हाँ देख रहे हैं आप ये लोग तो मैं कहने का मतलब है कि आप एक जन्म तिथि से केतु का है आपका उसमें। केतु थर्ड हाउस में तो आपके कंधे के पास में तिल का निशान होगा आपके पैरों की पिंडलियों तिल का निशान होगा और आपकी कमर पर भी तिल का निशान होगा जी सर देखो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एस्ट्रोलॉजी है जो अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ यदि आप भी इतना कुछ सीखना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं प्लीज एक ही मैसेज को बार बार मत लिखिए यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस अपनी ही कुंडली दिखाने आए हैं तो यह उसके लिए नहीं है ये कंसेप्ट समझने के लिए है कि एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है और आप कैसे सीखते हैं सूर्य के साथ में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है सर सूर्य अकेला सूर्य अकेला है उसके आगे और पीछे कौन सा बैठा हुआ है सूर्य कभी भी अकेला नहीं चलता है उसके आगे और पीछे कोई ना कोई ग्रह पक्का होगा या चौथे घर में होगा या छठे घर में होगा चौथे घर में बुद्ध चौथे घर में बुद्ध ना कभी भी सूर्य अकेला नहीं चलेगा के आगे या पीछे कोई ना कोई ग्रह पक्का होगा और छठे घर में क्या है छठा में क्या बोलते हैं कुंभ राशि है ग्रह नहीं है ग्रह नहीं है तो आपके घर के थोड़ी दूर में जाके एटीएम भी हो सकता है पार्क भी हो सकता है छोटे बच्चों का स्कूल भी हो सकता है हाँ जी हाँ जी जी सर हाँ तो ये एस्ट्रोलॉजी आप समझने की कोशिश कीजिए वास्तु है जो अभी तक आपको नहीं पढ़ाएगा ये बंदा कौन है जो इकतीस से एक बार बार उन्नीस सौ इकानवे लिख रहा है ऐसे ऐसे आदमी को आप अभी इसे ये आपके डेट ऑफ बर्थ करने के एनालिसिस करने के लिए नहीं है ये।, ये आपको बताने के लिए है कि दोस्त ये काम कैसे काम करती है एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है और हम आपको कैसे सिखा रहे हैं और आप आपको ये जो आ, कोर्सिस हैं ये ऐसा कोर्सेज आपको कोई नहीं सिखाएगा इंडिया मैं आपको ये भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको मैंने वास्तु बताया है इस तरीके से वास्तु का कोर्स भी नहीं बताया पता लगेगा आपका फोर्थ हाउस में दस डिग्री का है और सिंह राशि में है तो आपका जन्म आठवें महीने में होने के योग है आठवें है अगस्त और आपका जन्म भी आपका भी जो समय है रात को साढ़े ग्यारह से डेढ़ बजे के बीच में हुआ होगा और अगस्त दस डिग्री का है तो पंद्रह तो पच्चीस तारीख के आसपास जन्म हुआ होगा चौबीस या पच्चीस तारीख को चौबीस या पच्चीस अगस्त को होगा रात को साढ़े ग्यारह से डेढ़ के बीच का मतलब है और मैं तीन सौ लोगों को ये बताने की कोशिश करूँ कि दोस्तों एस्ट्रोलॉजी न्यूमोलॉजी और वास्तु कैसे काम करती है और ये सबको जो आप ये मेरी कोर्स की बात सुन रहे हैं या आपको कोई नहीं ये कह रहा हूं आपको देखिए कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए ये मैं समझ समझने की कोशिश कीजिए कि आपको अपनी कुंडली दिखानी है जब आप एस्ट्रोलॉजी न्यूमोलॉजी वास्तु आपको आ जाएगा तो आप कुछ भी सीख सकते हैं ये नंबर आपको दिख रहे हैं जो भी जातक कोर्स को ज्वाइन करना चाहें तो आप उससे अभी बात कर सकते हैं सर मुझे कुछ कहना है मैं बात कर सकती हूँ कमलदीप बोलिए सर मैं सबको ये कहना चाहती हूँ जैसे कि मैं एक स्टार्टर थी और सिक्स डेज की मैंने आपकी क्लास अटेंड की है सर मैंने इतना सीखा इतनी नॉलेज अभी सर एक न्यूमेरोलॉजी की क्लास चल रही वो भी अभी कंप्लीट नहीं हुई है और आपने इतना डेप्थ नॉलेज दिया है कि एक डेढ़ घंटे की क्लास को आपने चार चार घंटे टाइम देके हमें इतना कुछ सिखाया है कि मैंने लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि मैं ये चीज सीख सकती हूँ एंड आई एम वर्किंग ऑन दिस सर मैं लाइक like, आधा घंटा भी अगर मैं देती हूँ ना तो मुझे बहुत चीजें रिकॉल होती हैं आपकी कि सर ने ऐसे ऐसे सिखाया था एंड uh, मेरे को सर बहुत मजा आ रहा है इसको सीख के ये नहीं है कि इट्स अ टफ ये है कि अच्छे से दिमाग लगाओ सब कुछ होता है सर एवरीथिंग इज पॉसिबल थैंक यू तो मुझे बहुत मजा आ रहा है आपके साथ सीख के बहुत ज्यादा नहीं मेरे को नहीं तो था कि मैं सीख पाऊंगी कि नहीं है मुझे कुछ नहीं आता सिक्स डेज की क्लास है क्या है पता नहीं बट आज मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ दोबारा से आपका रेपिटेशन भी सुना तो मुझे लगा कि मुझे बहुत कुछ आ गया है थैंक यू जी आप जितनी बार क्लासेस सुनेंगी उतना ही आपको अच्छा लगेगा हाँ जी सर बिल्कुल थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग सो मच नॉलेज थैंक यू मैम थैंक यू चलिए नंबर आपको जिसको भी आपको कोर्स को सीखना है तो आप अपना नंबर नीचे ड्रॉप डाउन में लाके डाल दीजिएगा और जो ये कोर्स का लिंक आपके सामने आ रहा है आप मात्र पांच हजार पे देकर इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और बाबत बात कर सकते जो भी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो नंबर आपके सामने नीचे में दिए गए हैं आप उसे बात कर लीजिए अभी तक कितने लोगों ने ज्वाइन कर लिए तीन और पहले कितने बारह बारह और तीन पंद्रह अभी तक पंद्रह लोगों ने पेमेंट किया है सेकंड बैच में अभी आपको मैं फिर कह रहा हूँ कि जो ये कोर्स मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इस तरीके का कोर्स है एस्ट्रोलॉजी का और वास्तु का न्यूमोलॉजी का जिसमें मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा का पूरा कोर्स सिखाऊंगा आप क्लासेस आपकी पंद्रह अक्टूबर के आसपास शुरू होंगी क्लासेस पंद्रह अक्टूबर के आसपास शुरू हो जाएंगी जिसकी कुंडली में भी राहु और चंद्रमा की युति होती है उनके उनके पास पैसा नहीं टिकता है उनके माइंड में हमेशा नेगेटिव थॉट्स पहले आते हैं और ऐसे लोगों को नींद में भी समस्या आती है कर तो कुछ पूछने तो बताइए देखिए आपको ये लगता है कि आप रेमेडीस ही जानने आए हैं आप ये करने हैं तो ये रेमेडीस बताने तो वाला कोर्स नहीं है ये कोर्स को बताने का कोर्स है जिसकी कुंडली में राहु और शनि होता है वह भी कहीं ना कहीं राहु शनि अच्छा भी होता है और राहु शनि बुरा भी होता है ये देखना पड़ता है कि आपके कौन से घर में है और किस राशि में राहु हाउस में बहुत अच्छा होता है बुध बुध गुरु शनि छठे छठे घर घर में में अच्छा है बुध शनि छठे घर में अच्छा है लेकिन गुरु छठे घर में कभी भी अच्छा नहीं होता है राहु मरकरी नाइन्थ हाउस में दोनों राहु और मरकरी दोनों हाउस में अच्छे नहीं होते हैं क्योंकि राहु नाइन्थ हाउस में नीच का होता है और मरकरी जो बुद्ध है नाइन्थ हाउस में गुरु के घर में बैठ गया वैसे लोगों को प्रॉब्लम आती है सब लोग अपने अपने बारे में जानना चाहते हैं ये देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ आप कंसेप्ट के बारे में जानिए अपने बैस बारे में जानिए हेलो सर मैं कुछ जानना चाहता हूँ सर आपने वो शनि वाला बात बोली थी ना और लगन में शनि वाली बात बोली थी हाँ हाँ हेलो

हेलो जी हेलो और आपने एक और भी बोला था सर हाउस में में चंद्रमा चंद्रमा भी आया तो वो भी हाँ. चीप थी आपकी सर बिल्कुल प्रशन में आपको ये हाँ. कह रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी की है एस्ट्रोलॉजी अच्छी है एस्ट्रोलॉजी को पढ़ने वाला अच्छा होना चाहिए तो आप देखिए कि यदि आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजी के पास जाते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को भी मिलेंगी और ऐसे उपाय भी आपकी लाइफ में काम भी करेंगे हेलो तो, हेलो सर हेलो जी बोलिए सर सर आपके पास एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी और वास्तु वास्तु में ज्ञान का अच्छा एक बात सुनिए जो भी ये एक मिनट कोई भी एक जना है ये सब लोग कि जो भी हमारे से कोर्स लेगा हम उसको बीस हजार की किट भी देंगे और साथ में आपको जी सर मैंने एस्ट्रोलॉजी का कोर्स लिया आपसे अभी क्या? वो अपने बैच स्टार्ट नहीं किया आप पूरा कोर्स लीजिए न्यूमरोलॉजी का भी लीजिए <laughs> खाली में एस्ट्रोलॉजी ज्वाइन किया है अभी न्यूमरोलॉजी नहीं लिया है न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी वास्तु लीजिए पूरा कोर्स लीजिए तभी आपको मजा आएगा अभी आपको सुनने के लिए बहुत बेचैन है आपके जो ज्ञान ज्ञान का भंडार है ना बहुत है सर इसीलिए मैंने एस्ट्रोलॉजी ज्वाइन किया है

वो छवार हिंदी में हमारे पास महाराष्ट्रियन में उस उसके उस खारे में बोलते हैं, हैं। महाराष्ट्र में खारे बोलते हैं खारे खारे अच्छा ये दिखाइए किसी को दिखाइए कि ये बैग मिलेगा मिलेग आपको और देखिए एक बार दिखाइए ये एक बैग एक, एक टी शर्ट एक एक कप जो भी इस कोर्स को ज्वाइन करेगा उसको बैग एक दिखाइए कॉफी कप Hello. आपकी ये टी शर्ट Hello. दो ये बुक्स मिलेंगी और एक ये आपको ये दो बुक्स मिलेगी एक बुक मेरे द्वारा लिखी गई है हाउ टू मेक रिच और एक आपको और ये ब्यूटीफुल पेन कंपनी का पेन मिलेगा ये सब आपको कोर करीब बीस हजार रुपये का सामान आपको फ्री में मिलेगा और इसके अलावा आप एस्ट्रोलॉजी में करियर बना सकते हैं मेरे साथ में आपको बैठे बैठे कुछ नहीं करना है आपको आपको भी हम ही देंगे क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे पास रोज से कॉल आती हैं लेकिन मैं दस ही को बुक करता हूँ कर लोग पे नहीं कर पाते हैं तो हम आपके साथ में मिलकर करियर की शुरुआत करेंगे जिसमें हम आपको आ, लोगों को भला करने का लोगों के लिए काम करने का मौका देंगे और लोगों के भला करते हुए आप अपना करियर बना सकते हैं आप दो तीन लाख रुपए महीना कोर्स करने कर हाँ। हाँ के बाद वास्तु कर सकते है की अठारह मंथ की ई एम का ऑप्शन दीजिए इनको बात करिए अपना जो करें अठारह महीने की ई अपना नंबर शेयर कीजिए हम आपको बता देंगे कि कैसे ये एम आई सर आप कौन सी जगह पे बैठे हैं अभी जैसे आप आपसे वास्तु आपने कलरफुल कर रखा है हेलो ये मैं जयपुर में बैठा हूँ नहीं, नहीं जहाँ जिस डायरेक्शन में बैठे हैं जिसमें आपका पिंक कलर भी है ग्रीन भी है ब्लू भी है ग्रे भी है कहा है पिंक का है जो आपके पीछे बोर्ड लगा हुआ है आचार्य लव कुछ भूषण देखिए ये एक ये मैं अभी ई एन ई जोनो में बैठा हुआ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट जहाँ पे हरा रंग होता है यहाँ मैक्सिमम हरा रंग है और यहाँ पे लाल रंग भी थोड़ा बहुत हो सकता है ज्यादा नहीं हो सकता है तो जो ये कलर है ये तो सिर्फ लोगों का कलर ये बना हुआ है बाकी मैक्सिमम यहाँ पे हरा कलर है और ब्लू कलर है क्योंकि पानी है है हो सकता पानी का जोन है ना पानी का कलर भी हाँ पानी का जो पानी का कलर होता है हाँ ग्रे कलर पानी का कलर होता है ब्लू 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 पानी का कलर स्काई ब्लू होता है पानी का कलर ग्रे भी होता है अच्छा आ, तो ये वोटर मेरे को मेटालिक ध्यान था ये हमें मेटालिक पता था मैं वोटर जोन में बैठा हूं जहां पे हेलो हेलो देखिए जो भी आपके आप में से जो भी कोर्स सीखना चाहते हैं वो अपना नंबर पे डाल लीजिए ताकि जो हमारी टीम है आपसे बात कर लेगी सर मैंने आपका कोर्स लिया है जी जी हेलो तो क्या एक्सपीरियंस है आपका हाँ सर मैंने आपका कोर्स लिया है ये न्यूमरोलॉजी का कोर्स लिया है सर अच्छा तो न्यूमोलॉजी के छह चार्ट पढ़ के कैसा लगा आपको क्लासेस लेके सर अभी तो मेरे क्लासेस शुरू नहीं हुए हैं लेकिन आई एम वेरी मच एक्साइटेड हूँ और मैं केवल आपसे ये जानना चाहता हूँ सर कि जैसे जब ये क्लासेस होते हैं उसको क्या रिविजन किस प्रकार से किया जाए ताकि अच्छे से सीखा जा सके इसमें हमने दो ग्रुप बनाते हैं एक एडमिन ग्रुप बनाते हैं एक डिस्कशन का ग्रुप बनाते हैं

एक नंबर अपना नंबर कर दीजिए या जो भी नंबर आपको दिख रहे हैं उनमें से किसी भी नंबर पे बात कर लीजिए आपको बता देंगे जी सर जी जीविंदर सरस्वती जी का नंबर है सर हाँ तो ठीक है उनसे बात कर लीजिए जी जी बिल्कुल सर, सर, सर. Uh, सर आपका जो पैकेज है कितने दिन का वेटिंग कौन सा चौबीस हजार का चौबीस हजार में करीब तीन तीन महीने की वेटिंग आएगी सर आप आ, और एक है, सर मेरा पूछ सकता हूँ हाँ बोलिए हेलो हाँ आपने पिछले वेबिनार में मुझे एक रेमेडी बताया था सर चने की दाल और राइस बहते पानी में छोड़ने के लिए और कुत्तों को काले तिल दूध में मिला के खिलाने का बोला था आपने तो, तो वो कैसा करने का वो पूछना था सर मुझे आप एक बार जैसे ये खत्म हो जाएगा तब आप मुझसे मेरे फोन पे बात कर लीजिएगा मैं बता दूंगा आपको तो कौन से भी नंबर ट्राई कर सकते हैं किसी किसी भी नंबर पे बात कर लीजिएगा अभी देखिए एक बार सुनिए अभी हम एक आ, आ, कोर्स की बात करने आए हैं यदि किसी को भी कोर्स लेना है तो इन नंबर पे बात कर लीजिए या एक नंबर अपना नंबर ड्रॉप डाउन करके छोड़ दीजिए ओके तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी कोर्स ले रहे हैं उनको हम करीब की किट भी आपको गिफ्ट में रूम में रूम के के मिलेगा और आज हम आपको लाइव ये में 20 का भी दे रहे हैं। और जो येटर हाँ हाँ सब कुछ सिखाएंगे मोबाइल नंबरोलॉजी नेम न्यूमरोलॉजी सब बताएंगे सर मंगल और केतु की युति के बारे में कुछ एलेबोरेट करेंगे सर मंगल केतु जिनकी भी युति में होता है तो उनके ऑपरेशन होने का योग रहता है एक्सीडेंट होने का योग रहता है बीपी की प्रॉब्लम रह सकती है मंगल कर्जे की समस्या रह सकती है ऐसे है। लोगों को आ, कौन से घर में बैठा हुआ मंगल केतु हाँ तीसरे घर में वृश्चिक राशि में हाँ जैसे तीसरे घर में वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है तो कभी-कभी नेम एंड फेम बहुत ज्यादा हो जाएगा और कभी ना कभी नेम एंड फेम में बदनामी के योग भी हो जाएंगे ऐसे लोगों को नींद में समस्या आ जाए ऐसा भी योग होता है हां ये है सर कर्ज बर्डन रहता तो। है सर कर्ज बर्डन रहता है सर इसमें हां सही बोले और ऐसे लोगों को आ, मतलब कि गुस्सा भी एकदम से आ, कभी कोई बहुत तेजी से आएगा और कभी-कभी बिल्कुल नहीं आएगा सर सेकंड क्लास का गुरु

बहुत ज्यादा महंगा नहीं है सर बहुत बढ़िया है और, और यहाँ से बहुत कुछ सीखा जा सकता है हाँ आप ये देखिए कि आप जिन्होंने सीखा है आप उनसे पूछ के देखिए लोग क्या करते हैं कि पहले हजार रुपये लेते हैं हजार रुपये में कुछ सिखाते हाँ, नहीं फिर दस हजार रुपये ले लेंगे फिर दस हजार के बाद बोलेंगे हाँ, चालीस हजार रुपये तो चालीस हजार लेंगे फिर बोलेंगे लाख रुपए तो मेरा वो सिस्टम नहीं है एक बारे में मेरा कोर्स है आपका कोर्स बहुत वंडरफुल सर जो तीनों ले पाए वो लकी है मैं नहीं कर पा रहा हूँ मेरी असुविधा है लेकिन हम कोशिश करेंगे सर पूरा कोशिश करेंगे आपका तीनों कोर्स हम लें

लेकिन मैं बहुत चेष्टा करूंगा सर ठीक है कोई बात नहीं जी भी जिसको जी, भी, भी कोर्स करना है वो अपना नाम नंबर अभी तक कितने बच्चों का एडमिशन लिया आपके दो आए आपके दो आपके आए ठीक है अभी तक अभी जो भी कोर्स में लिया है करीब अठारह उन्नीस लोगों ने एडमिशन लिया क्या अठारह उन्नीस लोगों ने बैच में एडमिशन ले लिया तो कोई बात नहीं आपको जैसे अच्छा लगे तो आपको जिसको भी कोर्स भी। लेना हो फिर बात कर सकते हैं जिसको भी लेना हो अपना नाम और नंबर डाल दीजिए आपको एस्ट्रोलॉजी का फीस कितना है अपना एस्ट्रोलॉजी का कोर्स लेना चाहते हैं और अकेला वास्तु लेना चाहते हैं अकेला न्यूमरोलॉजी लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं आप बता दी कि अलग अलग कोर्स की फीस क्या है हाँ जी नमस्कार सर ये सिर्फ वास्तु सीखना चाहेंगे तो उसकी फीस है इसको भी आप फर्स्ट थाउजेंड से बुक कर सकते हैं और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी लेना चाहेंगे तो वो सिक्सटी थाउजेंड इसको भी आप साठ हजार इसको भी आप फर्स्ट फाइव थाउजेंड से बुक कर सकते हैं और अगर आप लेना चाहते हैं न्यूमोलॉजी का तो वो है अट्ठाईस <laughs> इस तीनों कोर्सेस को चारों कोर्सेस को आप पांच हजार से बुक कर सकते हैं अच्छा आप अपना नंबर यहाँ पे नीचे ड्रॉप डाउन कर दीजिए मतलब चैट बॉक्स पे लिख दीजिए ताकि हम इजीली आपको कॉल कर सके आपकी जो भी क्वायरी हो वो हम रिजॉल्व कर सकें डन सर डन ओके थैंक यू सो मच सर इफ़ यू फील कम्फर्टेबल अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए जो भी क्वाज होंगी आपकी जो भी क्वायरीज होंगी वो हम आपको कॉल पे सॉल्व कर देंगे ओके सर कोर्स कब से स्टार्ट है सर हाँ जी सर क्या कह रहे हैं पंद्रह अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे सर कोर्स बैच टू का कोर्स न्यूमरोलॉजी का कोर्स कब से शुरू हो रहा है सर नया वाला हाँ नया वाला पंद्रह अक्टूबर से सर पंद्रह अक्टूबर से जी आ, टाइमिंग क्या होगा सर उसका टाइमिंग शाम रात को साढ़े आठ बजे होगा जी सर ठीक थैंक यू Huh? So users can pay online, and the classes would be uh, scheduled via Zoom meeting from 8:30 PM to 11:30 PM. Okay, क्लासेस जूम ऑनलाइन होगी जूम के थ्रू क्लासेस का जो टाइम रहेगा वो एट थर्टी टू टेन थर्टी रहेगा कोर्स बुक करने के लिए आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं आप उन पर भी कॉल कर सकते हैं अदरवाइज आप अपना नंबर चैट चैट के अंदर ड्रॉप कर दीजिए हमारे एग्जीक्यूटिव आपसे कनेक्ट हो जाएंगे कितने सर कोर्सेस थ्री मंथ्स का है इसमें आ, आपको सर्टिफाइड सर्टिफिकेट भी मिलेगा मैं बाहर निकला तो इधर कैसे ये 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 नवीन जी आ, आपके जो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु इसका हम कॉम्बो कोर्स है इसकी फीस नाइनटी एट थाउजेंड रुपीज है, है इसके ओरिजिनल प्राइस वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड अगर आपको न्यूमरोलॉजी स्पेसिफिक चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं सर अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट लेना है न्यूमरोलॉजी का अलग लेना है एस्ट्रोलॉजी का अलग कोर्स लेना है और वास्तु का तो वो भी आप ले सकते हैं सर Such books will be given to the course. Uh, G sir, such books will be given to with the course. Uh, so in this course, uh, notes also be provided, and uh, Acharya ji uh, will take classes from eight thirty to ten thirty p.m. These are the live sessions all recorded. The sessions will be live. There is no recorded session will be conducted. Okay. And after the class, within 24 hours, recording will be shared on the given platform. and for the combo course there would be a 3 months program and for the single one and uh, each courses have a 3 months lineup okay एक मिनट 70 मिनट 24 24 पूरे पूरे बहुत पास चल रहा है टाइमिंग लगाने वाला बहुत टाइम है इसको मागन लो ना रोजाना में चलो चलो भी घूमने जा हम्म एक मिनट एक टू थ्री बड़ा the combo course will also be of uh, 3 months and the single course also in 3 months uh, yes uh, for the uh, for the combo course there would be a uh, two classes in a week and for the specific course there would be a uh, one classes

uh yes uh, you can just learn numerology astrology and vastu in 3 months uh, you can just enroll in the combo course <laughs> सर uh, के कोर्स के बाद में बेसिकली uh, होगा क्या कि सर के पास जो कंसल्टेशन आती है जो सर की ऑलरेडी पेंडिंग पड़ी है एट मंथ्स का तो वो सर आपको सर uh, आपको कंसल्टेशन प्रोवाइड करवाएंगे In five minutes, we will be closing this uh, our, uh, webinar.